पिछले इतने सालों में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं तो देश भर में अगर हम सी की बात कर रहे हैं कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम जहां इंग्लिश पेडागॉजी आती है ये शायद आखिरी मैराथन है इंग्लिश पेडागॉजी का हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर ना लूँ या अगले एक दो साल तक ना लूँ क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होगा तो बेवजह कोई फायदा नहीं है ये मैराथन का जो कल्चर है हमने शुरू किया है अगर हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करें तो प्रीवियस मैराथन को आपने बहुत प्यार दिया है इसको आप देखेंगे तो आपके काम बहुत ज्यादा आने वाला है ये एक सेशन सिर्फ एक सेशन देखना है जिनको डर लगता है इंग्लिश से इंग्लिश पैडागोलॉजी से जो भी काम का है सब आपका पेपर में कवर हो जाएगा जितने भी टॉपिक्स हैं इवन क्वेश्चंस भी मैंने भरपूर डाले हैं लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चन की तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न पे प्रीवियस एग्जाम जो एग्जाम्स रहे हैं उनके भी क्वेश्चन साथ में जो टॉपिक्स हैं जो नए टॉपिक्स हैं जितनी भी आपकी थियोरीज हैं चाहे वो ली वोर्फ की हो चाहे वो आपका स्टीफन क्रेशन हो स्किनर हो प्याजे हो वाइकॉस हो सब तो स्टार्ट करेंगे आज की कहानी और आ, मजा आएगा पढ़ने में पीपीटी मतलब मैं फिर टाइम को देख के थोड़ा रुक गई कंट्रोल कर लिया मैंने खुद को नहीं तो इतनी मजेदार पीपीटी आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कहानी चल क्या रही है चलिए सेशन जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाएंगे वैसे वैसे आप लाइक शेयर करते जाएंगे चार दिन बाद आपका सीटेट का एग्जाम है अभी अगर हम बात करें तो अगले चार दिन तक मैराथन सेशन चलने वाले हैं चार दिन में पहले सीडीपी के मैराथन सेशन करा चुकी हूं आज इंग्लिश कल ईवीएस परसों हम हिंदी या मैथ्स मतलब अगले चार दिन में चार आपके खत्म नोट्स भी आपको पूरे मिल चुके होंगे टेलीग्राम चैनल से आप ये नोट पीडीएफ कर सकते हैं और किसी भी फेक वेबसाइट से, चैनल से, ऐसी से जुड़ना नहीं है जो लेट्स के नाम पे आपको कुछ भी बेचे तो स्टार्ट करते हैं कहानी समझेंगे लैंग्वेज की फॉर्म्स के बारे में किस तरह से इस बार क्वेश्चन आए हैं ये सब समझेंगे जानेंगे क्या कहानी है आप एकदम तैयार है बिल्कुल एकदम कुर्सी की बेटी बैठ कर बांध लीजिए साथ में है ना और चाय पानी जो रखना है रख लो क्योंकि अब ये सेशन हो सकता है डेढ़ घंटा चले दो घंटा चले ढाई घंटा चले लेकिन टू द पॉइंट और काम की बातें है, है ना चलिए स्टार्ट करें आज की कहानी हम स्टार्ट करें लेट है उससे फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी सेशन अगर नहीं रहेगा तो कोई पॉइंट नहीं ना फिर आप कहीं भी देखें यहाँ देखें क्या अंतर बचेगा फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया ईवीएस नोट्स आपके रात में ही मिल जाएंगे आपको मैंने फाइनल दे दिए हैं वो कई बार प्रूफ रीडिंग होती है एक्चुअली नोट्स ये फ्री दिए जा रहे हैं लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है वो मेरा नेचर नहीं है मतलब मैं परफेक्शन के साथ ही कोशिश करती हूँ काम करने की मैथ्स पेडोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये भी आपको कल मिल जाएंगे और ये तो पहले से मिले हुए इंग्लिश पैडोगॉजी के नोट्स हिंदी के और सीडीपी के नोट्स तो उनको तो आप पढ़ ही लीजिए एक बार दो बार रीडिंग भी लगा लेंगे ना तो भी पेपर आपका रुकेगा नहीं स्टार्ट करते हैं शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी सी वगैरह या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये सब पढ़ना तो है ही आपको है ना तो समझेंगे जानेंगे चीजों को और बहुत मजा आने वाला है इतना फॉर श्योर है चलिए जब हम बात लैंग्वेज की करते हैं और इस बार मजे की बात यह हिंदी पेडागोलॉजी वाले भी इस सेशन को देख सकते हैं क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन ऐसे हुए हैं कि पूरे पूरे सेट में वही क्वेश्चन ट्रांसलेटेड फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आप देखेंगे तो तो टॉपिक सेम रहने वाले हैं लैंग्वेज यानी भाषा की बात करते हैं अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है एक मीडियम है एक माध्यम है थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज थॉट्स एंड फीलिंग्स यानी भाषा एक वो माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज को अपने विचारों को अपने जो भी हमारी चिंतन प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देते हैं सोच सकते हैं हम भाषा के माध्यम से यानी हम महसूस कर सकते हैं भाषा के माध्यम से सोच सकते हैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि लैंग्वेज क्या है एक मीडियम है और जस्ट एक मीडियम नहीं है ये वन ऑफ द फंक्शन में से है लैंग्वेज कम्युनिकेशन के, के काम आती है इसके और भी बहुत सारे प्रकार रहे हैं functions हैं अगर हम बात करें तो एक मीडियम है अपने विचारों को आइडियाज को एक्सप्रेस करना अगर मैं आपको अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूं किसके माध्यम से लैंग्वेज के माध्यम से ठीक है ना थॉट्स की अगर हम बात करें हमें अपने विचार अपने आइडियाज जो भी नया कुछ दिमाग में आ रहा है वो सब हम कैसे कन्वे करते हैं वो हम भाषा के माध्यम से कन्वे करते हैं जो हमारी फीलिंग्स है यानी ना सिर्फ सोचते हैं हम महसूस भी करते हैं भाषा के माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त भी करते हैं तो एक्सप्रेस भी करते हैं सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं है ना जैसे मैं गाना सुन रही थी दिले नादा तुझे हुआ क्या है है ना तो क्या है वो इमोशंस व्यक्त भी हो रहे हैं महसूस भी हो रहे हैं सारी चीजें हो रही हैं क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली कि क्या भाषा जो है सिर्फ कम्युनिकेट करने का माध्यम है नहीं हमारे सोचने समझने यानी हमारी फीलिंग हमारे थॉट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारा एक्सप्रेशन सब कुछ शामिल है ठीक तो हम ये समझेंगे क्लियर है बात कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए बेसिक सी बात है कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं समझते हैं महसूस करते हैं वी थिंक फील एंड एक्सप्रेस आर ठीक है दुनिया भर की शायरी दुनिया भर के गाने दुनिया भर की किताबें आप पढ़ते हैं अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं यानी भाषा की कई फॉर्म हो सकती हैं कैसे मेजरली हम देखते हैं कि तीन टाइप्स की हम बात करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर या फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स आर देयर ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा जो मैं और आप ब्ला 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 करके अभी बातें कर रहे हैं ये देख रहे हैं आप फोटो में दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो ये क्या है ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा जब हम अपने आप को मौखिक रूप से बोल करके सुन करके भाषा को समझ रहे हैं एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं ये है आपकी ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा दूसरा अगर हम बात करें रिटर्न लैंग्वेज रिटर्न यानी कि अब व्यक्ति को लगा यार अब तो थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए लिख करके पत्र में भेजेंगे कबूतर से काम नहीं चलेगा ठीक तो बात क्या हुई फिर रिटर्न लैंग्वेज की बात हुई यानी लिख करके व्यक्त करना है अपने आप को ठीक और रिटर्न लैंग्वेज के और भी बहुत सारे फंक्शन है ये ज्यादा स्टेबल होती है ज्यादा क्रेडिबल होती है लिख के अगर आपने दे दिया मतलब ज्यादा स्टेबल है बोल के तो आपने दो मिनट में कुछ बोला दो चार मिनट बाद अपनी बात बदल दो किसको पढ़िए ठीक तो ओरल लैंग्वेज से ज्यादा जो है आपकी रिटर्न लैंग्वेज स्टेबल होती है हालांकि भाषा बदलती रहती है डायनेमिक होती है लैंग्वेज अपने आप में साइन लैंग्वेज फिर आती है साइन लैंग्वेज भी क्या है एक नेचुरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है ना मतलब हम संकेतों के माध्यम से सीख रहे हैं तो मौखिक भाषा है ओरल लैंग्वेज जब हम ओरली लैंग्वेज का मौखिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं तो वो ओरल लैंग्वेज हो गई बातचीत में रेडियो पर टीवी में सुन रहे हैं समाचार सुन रहे हैं ये सारी चीजें रिटर्न में जब हम न्यूज पढ़ रहे हैं कोई पेपर लिख रहे हैं कोई किताब पढ़ रहे हैं तो वो रिटर्न लैंग्वेज का वहां यूज हुआ है यानी लिखित भाषा हो गई तीसरा फॉर्म क्या है साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा हम संकेतों से कह रहे हैं इधर आप ये क्या बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ना संकेत के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त कर दिया और साइन uh, लैंग्वेज का यूज डेफ लोगों के लिए भी किया जाता है और जिन लोगों को मतलब जो लोग बोल नहीं सकते तो जेस्टर्स का और हाथों का मतलब हैंड मूवमेंट्स वगैरह का प्रयोग करके साइन लैंग्वेज में अपनी बात कही जाती है आपने वो न्यूज चैनल्स कभी ना कभी देखी होगी वो न्यूज जिसमें साइन लैंग्वेज के थ्रू न्यूज में अपनी बात को कन्वे किया जाता है आप यहां देख पा रहे हैं है ना इनकी अपने आप में ये एक लैंग्वेज का सिस्टम है क्लियर है ये बात छोटी सी बात थी बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे नहीं इतनी बात क्लियर हो तो हम आगे चलें अगर नहीं है क्लियर तो हम यहीं पे लेट जाएंगे और समझते रहेंगे बात ठीक है या नहीं है बता दीजिए फटाफट से ठीक है कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में तो ओरल लैंग्वेज 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 और साइन ये हुई फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज अब जब हम बात करते हैं रिटर्न लैंग्वेज की तो ये क्वेश्चन भी आता है ये आपको पता भी होना चाहिए कि रिटर्न लैंग्वेज क्या है ज्यादा स्टेबल है ज्यादा क्रेडिबल है ज्यादा विश्वसनीय है किसके मुकाबले ओरल लैंग्वेज के है ना? वो एक गाना सुना होगा ना लिख के लीजिएगा अफसोस करोगे एग्जाम्पल देती हूँ लिख के लेना है मतलब पूरा प्रमाणिकता है इस बात है इस बात बात की की क्रेडिबिलिटी है आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं आप गाड़ी लेने जा रहे हैं आप कुछ भी करते हैं कहते हैं भाई पेपर वर्क कर लो नौकरी भी करने जाएंगे तो भी पेपर वर्क होगा क्यों क्योंकि प्रमाणिक है ये बात आज से सौ साल बाद भी वो चीज रहेगी वो प्रामाणिकता होती है क्रेडिबल होती है ज्यादा कौन सी रिटर्न लैंग्वेज ठीक है तो तो मतलब पक्की बात अगर कहनी हो तो हम कह देते हैं यार लिख के ले ले ऐसा ही होगा ये क्या है मतलब हम हम उसमें की बात कर रहे हैं का क्या है? आज आपने कहा I love you. कल कह दे जा। कब कहा था ऐसा तो मैंने सुना भी नहीं है ना सोचा भी नहीं है आज आपने कहा कि बहुत तुमसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई है ना दो लोग ऐसे रिलेशनशिप में है तुमसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई ठीक है नहीं है ब्रेकअप हुआ कह क्या रहे, तुमसे खराब इंसान नहीं है कोई तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है यह बहुत तेजी से बदल सकती है रात को कुछ कहा सुबह कुछ कहा मूड पर डिपेंड करता है तो मौखिक भाषा में परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाता है ये कह सकते हैं हम स्टेबिलिटी की कमी है ज्यादा ही डायनेमिक हो जाती है कई बार तो रिटर्न लैंग्वेजेस मोर क्रेडिबल प्रमाणिक ज्यादा है स्टेबल ज्यादा है स्थायी ज्यादा है और अगर एक क्वेश्चन आता है कि लिखित भाषा जो है ज्यादा स्थायी होती है किसकी तुलना में मौखिक भाषा की तुलना में मौखिक भाषा कंपेरेटिवली अस्थायी या इनस्टेबल है क्लियर है बात कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ेंगे अब कुछ और फॉर्म्स की अगर हम बात करें मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये वो वाली फॉर्म्स नहीं, नहीं है कि कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज नहीं है ओरल और साइन लैंग्वेज कुछ फॉर्म्स हैं लैंग्वेज को जब हम ये मौखिक की हो सकती हैं लिखित की हो सकती हैं इन्हीं के अंदर ये फॉर्म्स आती हैं जो हमने अभी पढ़ी है आपकी रिटर्न ओरल और साइन लैंग्वेज तो फोनोलॉजी एक ब्रांच है या एक फॉर्म है अगर हम कहें फोनोलॉजी का मतलब है साउंड से ये मैंने यहां लगाया स्पीकर यानी साउंड फोन का मतलब ही है साउंड फोन किस लिए पहले फोन बजता है ना और आप हेलो बोलते हैं मतलब साउंड आएगी या साउंड जाएगी ठीक तो हम फोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं फोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फोन मतलब साउंड से रिलेटेड है तो जब भाषा की स्पीच फॉर्म की हम बात कर रहे हैं यानी बोलने की हम बात कर रहे हैं या साउंड की हम बात कर रहे हैं मतलब फोनोलॉजी से संबंधित होगा साउंड साउंड का जो संबंध है बोलने सॉरी <coughs> बोलने और क्या हो गया सुनने का सारा मैथ्स और साइंस के ही नहीं प्रीवियस ईयर भरपूर रिपीट होते हैं पूरे सीटेट के सभी आप अगर देखेंगे सब्जेक्ट्स में थोड़े बहुत भी नहीं पूरे पूरे बस हल्का फुल्का चेंज आता है कई बार तो ज़्यादातर तो सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं तो फोनोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, फोनोलॉजी का संबंध से आई तो थिंक इनको या स्वनिम बोलते हैं हिंदी में एक्जैक्टली exactly याद नहीं है इस चीज को लेकर इंग्लिश पैडाबाजी चल रही है वैसे भी फोनिम की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है किसी बच्चे ने कहा चौप तो क्या है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी फोकस करती है मीनिंग पे कि भैया कोई मीनिंग है जो लिखा जा रहा है जो पढ़ा जा रहा है जो बोला जा रहा है उसका कोई मीनिंग है कि नहीं है तो मॉर्फोलॉजी जैसे ये व्यक्ति लेट लेट करके बुक में मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है फिर सिंटेक्स की बात होती है वर्ड ऑर्डर सिंटेक्स मतलब वर्ड ऑर्डर ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट अपनी जगह पे है कि नहीं वर्ब अपनी जगह पे है कि नहीं ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है कि नहीं सिंटेक्स तो मतलब वर्ड ऑर्डर या स्ट्रक्चर संरचना से संबंधित भाई जहां आनी थी, थी जगह है। है स्कूल, जाती है। जाती है स्कूल सीता स्ट्रक्चर ही गलत है सिंटेक्स गलत है ठीक है तो अगर हम कहें तो ये स्ट्रक्चर से संबंधित है वर्ड ऑर्डर से संबंधित है सिंटेक्स मॉर्फोलॉजी जो है वो मीनिंग से संबंधित है फोनोलॉजी जो है वो स्पीच फॉर्म से या बोलने से या साउंड से संबंधित है इतनी बात क्लियर है अभी एक चीज आप मोरफीम्स पढ़ते हैं और सिमेंटिक्स पढ़ते हैं उसको भी अभी पढ़ेंगे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए आपके सामने एक क्वेश्चन आता है ये जो भी हमने अभी पढ़ा है उसी से संबंधित इसी स्लाइड से संबंधित बीच बीच में मैं क्वेश्चन कराते हुए चलूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और सारे क्वेश्चंस नए तरीके पे बेस्ड होंगे और या फिर पुराने क्वेश्चंस वो होंगे जो रिपीट हुए हैं या yeah, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं डैश इज स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज यानी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई बताइए इसमें कई सारे ऑप्शन हैं इस बार ये आया हुआ क्वेश्चन पूछा है तो हम कहेंगे क्या सिंटेक्स सिंटेक्स तो वर्ड ऑर्डर से संबंधित है यानी स्ट्रक्चर से संबंधित है कि जो आपके रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल उन रूल्स में फिट होता है आपका सेंटेंस या भाषा या नहीं तो ये संरचना से संबंधित है रूल्स से संबंधित है ना कि साउंड से ठीक सिमेंटिक्स का संबंध सेंस से होगा अभी इस पे भी आएंगे सेंस से होगा मैडम राइड्स आ बाइसिकल एक बात कही जाती है तो राइड नहीं कर सकती मैडम बाइसिकल को क्योंकि सॉरी बाइसिकल तो मैडम ड्राइव नहीं कर सकती बाइसिकल को ड्राइव उसको जिसके अंदर बैठ के गाड़ी को तो ड्राइव करेंगे तो यहां पे वर्ब सही है सब कुछ सही है बट सिमेंटिकली गलत है तो सेंस खराब है या कहते हैं हमारे पर दादाजी एक्सपायर हो गए तो लोग एक्सपायर नहीं होते वो एक्सपायरी डेट के साथ थोड़े ना पैदा हुए थे कि इतने तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे है ना उनकी डेथ होती है वो पास जवे होते हैं तो ये ये क्या हुआ सिमेंटिकली गलत है है सही इसका स्ट्रक्चर सही है, है। मॉरफीन की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉरफीन भी मीनिंग से संबंधित है किससे मीनिंग से ठीक ये सेंस से संबंधित है अब ऐसा थोड़ी एक्सपायर का अपना मीनिंग नहीं है मीनिंग तो है बट सेंस नहीं बन रहा की अगर हम बात करें तो ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है साउंड से संबंधित है यानी की बात हो रही है ये एक आध वर्ड देंगे आपको परेशान करने के लिए कंफ्यूज करने के लिए बट इसका जो उत्तर है वो फोनीम है अगर मीनिंग की बात होती तो हम मॉर्फोलॉजी या मोरफीम कहते मॉर्फोलॉजी तो बड़ी ब्रांच हो गई जिसमें मॉरफीम है सिमेंटिक्स यानी सेंस की बात हो रही है सिंटेक्स यानी ऑर्डर की बात हो रही है अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन प्रस्तुत कर देती हूँ मेरे से रहा नहीं जा रहा है ना क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार इस तरह के पूछे गए हैं इसी से सिमेंटिक और मॉरफीन से संबंधित फिर हम आएंगे कि कैसे बहुत सारी या लगभग दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज फैमिलीज बोली जाती हैं हैं वो भारत में भी हैं। है ना तो भारत विविधताओं का देश है अगर हम कहें कैल्प और ये सब भी पढ़ेंगे धीरे धीरे तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ तो एक सेंटेंस uh, है क्वेश्चन है ये आपके लिए अभी जो मैंने आपको बताया अभी मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल ड्राइव्स बाइसिकल अगर हम बात करते हैं क्या यह सही है अगर यह गलत है तो यह दो ही ऑप्शन आपके पास सिमेंटिकली गलत है या सिंटैक्टिकली गलत है बहुत पूछा जाता है सिंटैक्टिकली गलत है इसमें सिमेंटिक मिस्टेक है कि सिंटैक्टिकल मिस्टेक है सिंटेक्स वाला मिस्टेक है या सिमेंटिक वाला तो हमें पता है आंसर क्या होगा सिमेंटिक मिस्टेक है स्ट्रक्चर तो सही है ऑर्डर तो सही है ना भाई मैडम क्या है सब्जेक्ट है सही जगह पे है ड्राइव्स है? है, साइकिल है? है, तो 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 घबराना नहीं है आपने ठीक तो सिंटेक्स तो इसका एकदम करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है सिमेंटिकली गड़बड़ गर, है यानी सेंस नहीं बन रहा है ना सेंस नहीं बन रहा सिमेंटिक्स में गड़बड़ी है मैडम जो है वो साइकिल को ड्राइव नहीं कर सकती राइड करते हैं जैसा घोड़ा है या जिसके भी ऊपर हम बैठ कर ये चला रहे हैं तो क्या है राइड्स होगा यहां पे ड्राइव नहीं करेंगे मैडम बाइसिकल को ठीक है अगर इसको कर दिया होता कि राइड्स मैडम अ बाइसिकल तो फिर ये सिंटेटिकल मिस्टेक हो जाती कि जहां सब्जेक्ट आना था वहां वर्ब लगा दी जहां वर्ब आनी थी वहां सब्जेक्ट लगा दिया समझ पा रहे हैं कि नहीं बताइएगा फटाफट से बताइएगा बहुत बढ़िया अमिताभ हैप्पी बर्थडे चलिए आज फोकस नहीं करेंगे आपकी बातों पे फोकस काम पे करेंगे बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक तो ये फ्लो में अगर दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी पेपर में पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे इस सेक्शन में या जो भी मैराथन आगे हो रही है उसी तरह से कराई जाएंगे तो ये बात क्लियर है तो हमें यह देखना है स्ट्रक्चर में गलती हो तो सिंटेक्टिकल यानी सिंटेक्स वाली मिस्टेक अगर मीनिंग में गलती हो तो कौन सी वाली मिस्टेक बताओ बताओ मीनिंग में गलती है सेंस में गलती है तो सिमेंटिकल मिस्टेक अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे अभी कि लैंग्वेज क्या है साधन है डायनेमिक है चेंज होती रहती है दुनिया भर की बातें अभी हम करेंगे लैंग्वेज को लेके तो हमारे देश में अगर कहा जाए तो मोर देन सिक्सटीन हंड्रेड प्लस लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं यानी भाषाएं और जो बोलियां हैं बहुत सारी हैं और कई कई राइटर्स के हिसाब से अलग अलग होंगी बट हम इन जनरल लेकर के चलते हैं कि डेढ़ हजार से भी ज्यादा हमारे यहाँ भाषा और बोलियां बोली जाती हैं और कहा भी जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे वाणी यानी जैसे ही थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद लैंग्वेज चेंज होती रहती है आप गांव में भी देखेंगे एक गांव से दूसरे गांव की भाषा चाहे वो तीन किलोमीटर की ही दूरी पे हो चेंज हो जाता है हल्का सा अंतर आ जाएगा आपको उस भाषा में ठीक तो अगर हम कहें तो लैंग्वेज फैमिलीज हैं बहुत सारी दुनिया में लगभग जितनी भी लैंग्वेज फैमिलीज हैं वो सब भारत में भी प्रेजेंट है यानी हमारा देश जो है विविधताओं का देश है तो फॉर एग्जाम्पल एक, एक बार पूछ लिया था कि इंडो यूरोपियन जो हिंदी है या इंग्लिश है ये किस लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है हिंदी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है गुजराती भी और भी इसमें कई भाषाएं हैं द्रैवीडियन की जब हम बात करें तो जो आपकी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा है वो इसमें आएगा टिप्तो बर्मन की जब हम बात करेंगे जो ईस्टर्न इंडिया में बोली जाने वाली जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स हैं सेवन वहां पे बर्मन का प्रयोग होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेजेस हैं वो झारखंड और सेंट्रल एशिया में यूज होती हैं अपने आप में एक लैंग्वेज लैंग्वेज फैमिली हो गई तो ये कुछ फैमिलीज हैं जिनका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है यहाँ आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि जो हिंदी गुजराती इंग्लिश है वो इंडो यूरोपियन का पार्ट है तमिल तेलुगु कन्नड़ कन्नड़ियन का पार्ट है बस ज्यादा वैसे जनरली नहीं पूछा जाता बट एक बार क्वेश्चन आया है तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए ठीक है बात अब हम बात करते हैं भाषा के फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी विशेषताएं क्या होती हैं लैंग्वेज के फंक्शन क्या हैं 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 फंक्शंस क्या है, क्या क्या विशेषताएं फीचर्स हैं लैंग्वेज के समझ लेते हैं अगर हम देखें तो पहला लिखा हुआ है इट इज सिंबॉलिक एंड एक नंबर में आता ही है यहां से क्वेश्चन हर बार आता है ठीक है ना तो अगर हम देखें तो इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक यानी एक तो सिंबल्स का एक प्रॉपर क्या है स्ट्रक्चर है भाषा कितने सारे सिंबल्स का ही तो प्रयोग हो रहा है ये सब सिंबल्स ही तो है अगर हैं अगर देखें हम ठीक और डायनेमिक है यानी चेंजेबल है यानी परिवर्तन होता रहता है हर साल आप देखेंगे डिक्शनरी में कुछ वर्ड एड होते रहते हैं और कुछ वर्ड रिमूव होते रहते हैं तो यानी परिवर्तनशील है आज से पचास साल पहले जो भाषा बोली जाती थी चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो तब की भाषा के चलन में और आज की भाषा के चलन में अंतर है है ना पहले लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं या पिक्चर देखने जा रहे हैं ये बोलते थे अभी क्या हो गया मूवी बोलते हैं लोग नहीं तो क्या होगा लोग कहेंगे अरे कौन से जमाने के हो भाई मतलब डायनेमिक है है लैंग्वेज चेंज हो रही है. कुछ वर्ड्स ऐड होते रहते हैं कुछ रिमूव होते रहते हैं कई बार आ, शैली चेंज होती रहती है आम बोलचाल में भाषा बदलती रहती है लिखित भाषा में भी चीजें चेंज होती रहती हैं है, है ना तो हम ये कहेंगे कि लैंग्वेज एक डायनेमिक एंटिटी है जो परिवर्तनशील है और इसमें सिंबल्स का प्रयोग होता है ये हम जानते हैं क्लियर है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये भी एक फंक्शन है लैंग्वेज का कि संप्रेषण का एक माध्यम है अपनी बात को कहने का दूसरे की बात को समझने का क्या है एक साधन है लैंग्वेज आप 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 कोई बात बात रहे रहे हैं आप पत्रे लिख रहे हैं पत्र लिख प्राइम मिनिस्टर को मान लीजिए है ना आप अपनी बात बोल करके आजकल तो वॉइस मैसेज का जमाना है कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बोल करके सुन करके अभी आएंगी लैंग्वेज स्किल्स भी पढ़ करके लिख करके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी एक फंक्शन ये भी है कि अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं किसी को अनुदेश दे रहे हैं तो उसके लिए भी भाषा काम में आती है आप टीचिंग में अगर टीचर हैं और स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप ऑफिस में कोई बात कर रहे हैं फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह की भाषाएं होती हैं फॉर्मल फॉर्मल वो जिनको हम प्लेसेस पे जैसे हो गए ये कोई भी कार्यालय वाली भाषा और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी नॉर्मल घर पे या यारी दोस्ती में तो इनफॉर्मल लैंग्वेज का हम यूज करते हैं तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में भी ये काम आती है अगर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज आर्बिट्रेरी यानी जैसी लिखी जाती है

उसके लिए भी ये आगे बढ़ाती रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे पता कर पा रहे हैं भाई हमारे दादाजी कैसे थे अगर अंग्रेजों की बात करें तो वो तो जर्नल्स छोड़ के जाते हैं है ना डेली बेसिस पे लिख रहे थे उनके जीवन में क्या हो रहा था क्या नहीं है ना आज भी हम किसी ऑटोबायोग्राफी तो पढ़ रहे हैं या फिर हमारी संस्कृति में हमारी रामायण है महाभारत है जितनी भी और अलग अलग तरह की चीजें हैं तो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं तो सिविलाइजेशन और कल्चर को कैरी करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड रूल गवर्न तो रूल गवर्न सिस्टम है एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है रूल्स से बंधी हुई है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रूल्स है ऐसा नहीं है कि बिना रूल्स के भाषा काम करती है मतलब वो आप आपस में यूज कर लें तो चलेगा लेकिन प्रॉपर रूल गवर्न सिस्टम है भाई जब हम बात करते हैं कि सपना पूरा हो गया अब कोई कहे क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव की वजह से कि सपना पूरी हो गई बन नहीं रहा ना सेंस क्यों क्योंकि रूल प्रॉपर नहीं चल पा रहा वो स्त्रीलिंग पुरेलिंग कहां यूज होना था समझ नहीं पा रहे हम तो ये सारी बातें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके लैंग्वेज के आगे बढ़ेंगे फटाफट से लैंग्वेज एक्विजिशन इस सेशन को अगर आप दो बार भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार भी अच्छे से समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका तो इनफ हो जाएंगी चीजें ठीक है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग एक नंबर में क्वेश्चन पूरी तरह से आता ही है फिक्सड है ठीक क्या है फिक्सड है तो लैंग्वेज एक्विजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो भाषा अर्जन एक चीज है और लैंग्वेज लर्निंग एक दूसरी चीज है ये हिंदी लैंग्वेज में भी पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूछा जाता है। तो यानी जब हम स्वाभाविक रूप से naturally language को सीखते हैं यानी कोई systematic practice नहीं हो रही इट इज कॉल्ड वॉट लैंग्वेज एक्विजिशन यानी जब हम डेलिब्रेट एफर्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं पेन पेपर लेकर के बैठूं, आज तो मम्मी से बोलना सीखूंगी कि कैसे पानी मांगते हैं छोटा बच्चा तीन साल का सोचो ऐसे थोड़ी होता है वो स्वाभाविक रूप से अपने आसपास उसके कार्टून्स चल रहे हैं या फिर वो कोई मूवी देख रहा है मम्मी पापा को बहन भाई को बात करते हुए देख रहा है धीरे धीरे वो भाषा बोलना अपने आप सीख जाता है कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी होती है कि भाई बहुत बड़ी समस्या हो गई अब तो उसको एक किताब लेकर के आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि बेटा पानी कैसे मांगना है किताब से सीख लो ऐसा नहीं होता ना तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन में क्या होता है कि आप भाषा को अपने एनवायरमेंट के माध्यम से अर्जित करते हैं जो एनवायरमेंट है आपका जिस एनवायरमेंट में जिस वातावरण में आप रह रहे हैं वहां से आप भाषा को पिक कर लेते हैं और ये क्षमता हमारे अंदर नेचुरली होती है ऐसा नॉम्सॉम्स की कहते हैं अभी उनको भी पढ़ेंगे हम तो वेल लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एक्विजिशन जब अगर हम बात करते हैं कि भाषा को आप नेचुरली सीख ले रहे हैं अपने एनवायरमेंट से मम्मी को बात करते हुए सुन के दादी को बात करते हुए सुन के रेडियो से टीवी से आप सीखने नहीं गए कोई कक्षा नहीं लगाई आपने कि मैं लैंग्वेज सीखूंगी नेचुरली अपने आप नॉर्मली नेचुरली सीख रहे हैं आप अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली

लैंग्वेज एक्विजिशन में दूसरी भाषा को भी आप एक्वायर कर सकते हैं यदि आप तीन साल के थे आपने तीन चार साल में हिंदी बोलना सीख लिया था क्योंकि आपके घर में बोली जाती थी आप इंडिया में रहते थे आपके माँ बाप अमेरिका शिफ्ट हो गए और अब आपने इंग्लिश को भी एक्वायर कर लिया वो भी आपने आसपास सुनी और आप उसको भी बोलते गए सीखते गए समझते गए खत्म कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ी तो हम ना कि सिर्फ ना ही सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं स्टीफन क्रेशन ने भी इस इसपे अपनी एक हाइपोथेसिस दी है जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं आज ही

वो से नहीं है जो एफर्ट फुली हो रही है बट लर्निंग का मतलब यहां एक्वायर करने से है तो ये कई कई बार पेपर में दे देता है कि लर्निंग लर्निंग नेटिव और लैंग्वेज तो पढ़ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसमें कॉन्टेक्स को समझना है कि, कि किस संदर्भ में बात कही जा रही है बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन भाई जो मानव मस्तिष्क है उसके अंदर वो आंतरिक क्षमता है कि वो नेचुरली एनवायरमेंट से भाषा को एक्वायर कर सकता है यदि उसको एनवायरमेंट दिया जाए ठीक है इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस यानी एक अचेतन प्रक्रिया जिसमें आप एफर्ट या डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं दैट अकर्स वेन लैंग्वेज इज यूज इन रियल कन्वर्सेशन जब आप वास्तविक दुनिया में क्या करते हैं संप्रेषण करते हैं बातचीत करते हैं तो आप नेचुरली अनकॉन्शियसली आपका ध्यान भी नहीं है कि आप भाषा सीख रहे हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जो संस्कृत बोलता हो कुछ दिन में आप भी संस्कृत समझना सीख जाएंगे कुछ दिन में आप भी संस्कृत बोलना सीख जाएंगे आपने जबरदस्ती नहीं सीखा नेचुरली आपके भाव भाव में ही आ जाएंगे कुछ शब्द ठीक तो ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है अचेतन प्रोसेस है कई जगह पे आपको ये अनकॉन्शियस मिलेगा कई जगह पे ये आपको सबकॉन्शियस मिलेगा डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया है है ना और दोनों ऑप्शन जनरली नहीं देता है एक साथ क्योंकि ये नेचुरली होती है कुल मिलाकर की बात ये है क्लियर है हम यहां पे हमने दो चीजें देखी कि जो नेटिव लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज है इसको समझ लीजिएगा एक बार एल वन समझ लीजिएगा ये है एल और एल ठीक अगर हम बात करते हैं जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है वो L1 कहलाती है यानी लैंग्वेज फर्स्ट ही होगी आपकी जनरली नेटिव लैंग्वेज जो है आपकी जिस जगह से या फिर हम इसको मदर टंग भी कह सकते हैं ठीक है क्या कह सकते हैं मदर टंग भी कह सकते हैं होम लैंग्वेज भी कह सकते हैं मदर टंग मतलब जो भी हमारे घर में बोली जा रही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज भी कह देते हैं कई लोग भाई जो भी सबसे पहली भाषा हम घर में ही सीखते हैं ना तो जो भी घर की भाषा होगी वही हमारी फर्स्ट लैंग्वेज बन जाएगी मदर टंग होगी हमारी ठीक है अगर घर में फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोली जा रही तो बात अलग है ठीक लैंग्वेज टू क्या है लैंग्वेज टू आपकी सेकेंड लैंग्वेज कह देते हैं इसको भाई ये दूसरी भाषा है क्या है सेकेंड लैंग्वेज कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं आप इसको आप इसको मदर टंग तो कहेंगे नहीं स्कूल लैंग्वेज भी कह देते हैं कई लोग कि स्कूल में आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं ठीक है ना इसके अलावा अगर हम कहें सेकेंड लैंग्वेज तो कह ही देते हैं तो ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जब हम बात करेंगे तो आप स्कूल में सीखते हैं बाहर दुनियादारी में सीखते हैं लेकिन एल जो है वो आपकी मदर टंग को ही कहा जा रहा है नेटिव लैंग्वेज भी इसी को कहा जा रहा है कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं और एल को कई बार हम टारगेट लैंग्वेज भी कह देते हैं लक्ष्य भाषा यानी स्कूल में टारगेट लैंग्वेज क्या होगी मान लीजिए आपके घर में हिंदी बोली जाती है स्कूल में इंग्लिश सिखा रहे हैं तो वो टारगेट लैंग्वेज बन गई जिसको आप आगे चल करके सीखेंगे तो इन सब का मतलब एक ही है चाहे वो नेटिव हो मदर टंग होम लैंग्वेज हो home language हो।, first language हो. की जब हम बात कर रहे हैं, तो second language, school language, target language, जो भी आपके है, वो आपके लिए दूसरी भाषा हो जाएगी आगे बढ़ेंगे और लैंग्वेज uh, एक्विजिशन क्या है अनकॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें आपका डेलिबरेट एफर्ट जीरो है ना के बराबर है आपने कोई कॉपी किताब टीचर ग्रामर कुछ नहीं सीखा आपने भाषा को बोलना सीख लिया नेचुरली क्यों क्योंकि आपके ह्यूमन ब्रेन में वो क्षमता थी और ये बचपन में ज्यादा तेजी से हो पाता है पांच साल की उम्र तक ऐसा की कहते हैं अब आती है बात लैंग्वेज लर्निंग की एक्विजिशन का मतलब क्या था अर्जित करना अभी जब हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज एक्विजिशन तो एक्विजिशन क्या है भाई आज आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है कल आपको मिल जाएगी एक्वायर कर लिया आपने खुद से थोड़ी मिला आपने खुद से नहीं लर्न नहीं किया ना उस चीज को एफर्ट और प्रैक्टिस नहीं लगी ना नेचुरली मिल गया तो एक्विजिशन क्या है जो हम ग्रहण कर रहे हैं जो आपने अपने जीन्स से ग्रहण किया है वो भी नेचुरली हुआ है आपने थोड़े ना उसके लिए एफर्ट किए हैं तो जो चीज नेचुरली हो रही थी यानी आप अर्जित कर रहे हैं किससे एनवायरमेंट से और कब अच्छी होगी एक्विजिशन जब environment अच्छा होगा ठीक यानी अपने पर्यावरण से आप अर्जित करते हैं भाषा को तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन कहला रहा था स्वतः होती है नेचुरल होती है नो डेलीवरिट प्रैक्टिस इज नीडेड यानी आपने अर्जित कर ली बटोर ली आसपास से ठीक है बटोर ली खेलते कूदते आपने कोई अलग से एफर्ट इसके लिए नहीं किया ठीक अब जैसे हिंदी है तो हिंदी मेरी और आपकी मातृभाषा है ज्यादातर लोग होंगे कुछ लोग होंगे जिनकी इंग्लिश हो सकती है या कोई और भाषा हो सकती है क्योंकि देश भर से आप लोग देखते हैं तो अगर हम कहें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है तो उस केस में क्या कहानी है हमने नेचुरली बोलना सीख लिया था बचपन में कोई दिक्कत नहीं हुई स्कूल जाने से पहले ही एक पर्टिकुलर लेवल की समझ या अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे में मातृभाषा को लेके और इसीलिए हम कहते हैं मदर टंग में ही आप सिखाइए बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग करने दीजिए यह भी पॉलिसीज जब हम पढ़ेंगे तो आएगा

सिस्टम में होगा वो इनफॉर्मल होती है जो मदर टंग होती है यानी यानी जिसका एक्विजिशन हम करते हैं हैं लर्निंग ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस आप आप बोलना भी सीख रहे हैं, आप अपनी बात को लिखना भी सीख जाते हैं तो चलते चलते आप सोचते भी हैं भाषा में आप प्रयोग भी करते हैं आप महसूस भी करते हैं सारी चीजें इंक्लूडेड है कोई एक सिंगल चीज नहीं है कई स्किल्स एक साथ आती है लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस यानी चेतन प्रक्रिया है क्या है चेतन प्रक्रिया है जिसमें आप कॉन्शियस एफर्ट देते हैं एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन तो लर्निंग एक तो चेतन होती है कॉन्शियस होती है फॉर्मल एनवायरमेंट में होती है आप स्कूल गए आपने इंग्लिश सीखी आपने ग्रामर के टीचर से समझा रूल्स को समझा पढ़ना सीखा है ना सुनना सीखा उसको समझना सीखा चेतन रूप से एफर्ट कर रहे हैं आप है ना वर्ड मीनिंग याद करने में लगे हुए हैं क्या है ये एफर्ट है प्रयास कर रहे हैं एंड इट इट इज़ इज़ मोर इफेक्टिव डन तो लैंग्वेज लर्निंग बेहतर कब होगी जब एक मीनिंगफुल सिचुएशन ऐसा एनवायरमेंट जो नेचुरल हो जो फेमिलियर हो तो जो प्रिंट रिच एनवायरमेंट या कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट होना चाहिए तब जाकर के बच्चा अच्छे से लैंग्वेज को लर्न कर पाएगा ठीक तो लैंग्वेज लर्निंग यदि एक अच्छे एनवायरमेंट में होगी एक मीनिंगफुल सिचुएशन में होगी यदि हम बच्चे को उसके जीवन से जोड़ करके सिखाएंगे तो वो लैंग्वेज को लर्न भी आसानी से कर लेगा जबकि अगर हम ऐसी बातें करेंगे जिससे वो कनेक्ट भी नहीं करता तो मुश्किल होगी लेकिन ये और प्रोसेस प्रोसेस है इट्स अ एक क्वेश्चन आपके सामने है अब अब एक और चीज का हमें ध्यान रखना है ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी जिसको हम मदर टंग कह रहे थे अभी ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है या मदर टंग है एम टी कह देते हैं मातृभाषा ये क्या करती है हेल्प करती है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में हिंडर नहीं करनी चाहिए अगर कर रही है तो टीचर्स की प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है है ना ये क्या करेगी एक रिसोर्स का काम करेगी दूसरी भाषा को सीखने में मदर टंग क्या करती है हेल्प करती है क्यों क्योंकि ये बेस हो गया ना यहां से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का काम का काम होगा जो कुछ आपने यहां पर सीखा है वो चीज आपको हेल्प करेगी देखिएगा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस बार भी पूछा जा चुका है ये यानी जो प्रोसेस है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की यानी दूसरी भाषा के अर्जन की जो हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोस यानी किससे किससे इन्फ्लुएंस्ड है किस है है प्रभावित जो बच्चा पहले से जानता यानी आप जब एक लैंग्वेज आपको आती है दूसरी आप सीख रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज तो ये प्रभावित होगी आपकी पहली लैंग्वेज से आप जब इंग्लिश सीखने गए होंगे तो बार बार हिंदी में स्विच कर जाते होंगे इंग्लिश बोलते बोलते है ना या हम कई बार मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं आज भी कोई किताब पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा मीनिंग आ जाए जिसका हमें मतलब नहीं पता तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ जानने तो जो इन्फ्लुएंस होती है प्रभावित होती है लैंग्वेज द लर्नर ऑलरेडी नो यानी जो आप लैंग्वेज पहले से जानते हैं द इन्फ्लुएंस इज इंटर लैंग्वेज है सिस्टमैटिक एरर है लैंग्वेज ट्रांसफर है या फोनोलॉजी है ये जो प्रभाव है, का है फिर हम धीरे धीरे जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उससे ट्रांसफर करते जाते हैं सेकेंड लैंग्वेज में तो लैंग्वेज ट्रांसफर है ये भाषा का स्थानांतरण है जब आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो उसको एक रिसोर्स एक संसाधन एक एसेट के रूप में यूज करेंगे पहली भाषा का प्रयोग जो है एक संसाधन के रूप में होगा ताकि जो भी आपने उसमें सीखा है जो भी आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे वो ट्रांसफर कर पाएंगे लर्निंग को तो दूसरी भाषा का इन्फ्लुएंस होता है दूसरी भाषा सीखते समय पहली भाषा का इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होगा इस को लैंग्वेज ट्रांसफर कहते हैं और इस ट्रांसफर की वजह से आप दूसरी भाषा आसानी से सीख पाते हैं अब जो हमने एक्विजिशन और लर्निंग पढ़ाई क्योंकि इस इसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं एक्विजिशन एंड लर्निंग पे इसलिए समझना जरूरी है ठीक है बात अगर हम देखें यहां पर तो ये देख सकते हैं एक्विजिशन एंड लर्निंग का डिफरेंस एक क्वेश्चन सीधा सीधा और दो तीन क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे क्वेश्चन मातृभाज सीखी है ए फॉर एप्पल होता है यानी फर्स्ट आपका लेटर भी है अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ए से एक्विजिशन और एक्विजिशन से पहली लैंग्वेज यानी फर्स्ट क्या है एक्विजिशन है अर्जन है सबसे पहले आप कोई ना कोई भाषा अर्जित ही करते हैं भाषा की जो लर्निंग है वो दूसरे नंबर पे आती है यानी लर्निंग जनरली सेकेंड लैंग्वेज में होती है या आप कई भाषाएं भी सीख सकते हैं बाद में ठीक तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज यानी ज्यादातर केस में ये क्या होती है मदर टंग होती है बच्चे की मातृभाषा जो भी उसके घर में बोली जाती है पहला पॉइंट फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज लेकिन ये तो क्या हुई होम लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन वहीं लर्निंग की बात करें तो ये फॉर्मल नॉलेज है फॉर्मल मतलब आपने स्कूल में क्लासेस में कोचिंग क्लासेस में कहीं जाके ये भाषा सीखी होगी किताबों से टीचर से ये जबकि ये इनफॉर्मल है अनौपचारिक है आसपास के एनवायरमेंट से ऐसे ही सीख ली आस पड़ोस से सेकेंड पॉइंट क्या है पिकिंग यानी जब हम लर्निंग इसकी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहे हैं तो आप इसमें पिकअप कर लेते हैं एक लैंग्वेज को उठा लेते हैं एनवायरमेंट से अर्जित कर लेते हैं वहीं यहां पे आप नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज आप लैंग्वेज के वर्ड मीनिंग सीखते हैं उसके रूल्स सीखते हैं उसके सिस्टम्स को समझते हैं उसको लिखते कैसे हैं कौन सी फॉर्म होती है यानी आप लैंग्वेज के बारे में जानते हैं ठीक है ना क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया प्यूनियर पूजा और शशि ऑल द बेस्ट केवीस के लिए सबकॉन्शियस प्रोसेस है एक्विजिशन यानी सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस जिसमें आपका ध्यान ही नहीं है आप सबकॉन्शियसली एनवायरमेंट से उठा ले रहे हैं यहां पे ये कॉन्शियस है प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है वर्ड मीनिंग बार बार याद करेंगे वर्ब की फॉर्म याद करेंगे इम्प्लिसिट नॉलेज यानी आपको पता भी नहीं होता ये शब्द आप कैसे यूज कर पा रहे हैं आपका ध्यान भी नहीं आप ज्यादा सोच भी नहीं रहे हैं आंतरिक है वहीं लैंग्वेज लर्निंग जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सतर्क हो जाते हैं सोच सोच के वर्ड बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट है ये जो एक्सटर्नल है जो सीखी है अपने बाहर से फिर आता है फिफ्थ पॉइंट फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प यानी फॉर्मल टीचिंग अगर अगर आपकी मम्मी आपको बचपन में किताब लेके बैठ जाती है कि बेटा ऐसे बोलना है तो वो कुछ खास मदद नहीं करता वो एनवायरमेंट से अपने आप सीख जाता बच्चा फॉर्मल टीचिंग यहाँ पे हेल्प करती है कि एक टीचर हो एक ट्रेनर हो स्कूल हो ग्रामर हो बुक्स हो तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे कोई डेलिबरेट एफर्ट नहीं लगता नो डेलिबरेट एफर्ट इज नीडेड डेलिबरेट मतलब कोई भी एक शिक जिसमें अपनी इच्छा से एफर्ट लगे नो डेलिब्रेट एफर्ट इज नीडेड यहां पे एफर्ट लगता है प्रैक्टिस लगती है एक्सरसाइज लगती है ठीक है ना डेलीबरेट एफर्ट यहां लगता है चलिए आगे बढ़ते हैं समझते हैं अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही आसान सा पूछ दिया है ताकि आप जवाब दे पाए क्या क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ये क्वेश्चन बहुत बार आया पास्ट ईयरस में के कौन सा वो एक फैक्टर है कौन सा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कर पाते हैं जिसकी वजह से आप लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच का लर्निंग मतलब मतलब जहां जहां एफर्ट और प्रैक्टिस हो अभ्यास हो हो ट्रेनिंग अभ्यास एक्विजिशन नेचुरली आपने अर्जित कर लिया आपका कोई खास एफर्ट नहीं लगा तो ग्रामर ऑफ लैंग्वेज है असेसमेंट इन लैंग्वेज है टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज है ये आपको याद रखना है सारा खेले एनवायरमेंट का अगर जिस भाषा को आप दूसरी भाषा के रूप में आज स्टडी कर रहे हैं यानी मान लीजिए आपकी Uh, कौन सी भाषा कह सकते हैं हम इंग्लिश कह रहे हैं तो अगर इंग्लिश आपके एनवायरमेंट में होती तो आप इंग्लिश को भी एक्वायर कर लेते कौन सी बड़ी बात थी है ना कोई हवा थोड़ी है तो हम ये कहेंगे जो डिफरेंशिएशन है कि आप किसी भाषा को सीख रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं या एक्विजिशन कर रहे हैं वो उसमें मेन जो डिफरेंस है वो है एनवायरमेंट का किसका एनवायरमेंट का लैंग्वेज एनवायरमेंट का ग्रामर ऑफ असेसमेंट टेक्स्ट बुक ये सब तो आप बाद में हिंदी के लिए भी पढ़ रहे हैं ना अपनी मातृभाषा के लिए भी बाद में जब स्कूल जाते हैं तो उसको भी सीखते हैं प्रॉपर लेकिन लैंग्वेज एनवायरमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि लैंग्वेज लर्न हुई है एक्वायर हुई है एक्वायर जो होगी वो नेचुरली बोलेगा इंसान आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज की स्थिति क्या है ये देख लेते हैं इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग क्या है इस बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो भारतीय संविधान है एथ स्केड्यूल में बात हुई है लैंग्वेज की जो आठवीं अनुसूची बोलते हैं जिसमें हम उसमें 22 भाषाएं हैं अभी लिस्ट में आपको दिखाऊंगी 22 टू लैंग्वेज है जिसमें हिंदी है बंगाली है और भी बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है एक तो या, ये याद रखना है इस बार डायरेक्टली पूछा इंग्लिश इन बाईस भाषाओं की सूची में नहीं आती तो आप देखते हैं इन बाईस भाषाओं में ही आपका अगर सीटेट देने जा रहे हैं एग्जाम होता है ठीक है ना तो 22 टू लैंग्वेजेज में से आप कोई भी दो लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं जो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू के फॉर्म में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो में जो आठवी अनुसूची में बात हो रही है बाईस भाषाओं की उसमें इंग्लिश हिस्सा नहीं है इनका पहली बात तो ये याद रखनी है इंग्लिश इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीस ट्वेंटी टू लैंग्वेज जो कि एथ स्केड्यूल में कही जा रही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी एक चीज एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था ओला बोलती हूं मैं इसको ओला बोले तो वो कैब नहीं है जिसमें आप बैठ के जाते हैं ओ फॉर ऑफिशियल एल फॉर लैंग्वेज ए फॉर एक्ट तो ये ओला आया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यानी ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की क्या होगी इस पर बात करने के लिए तो ऑफिशियल लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 1963 में एक एक्ट आया एक था और इसके तहत आप देखते हैं एक आर्टिकल है 343 यानी जो लैंग्वेज की बात करता है तीन आर्टिकल 343 सेक्शन वन में हम कहते हैं हिंदी क्या है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है कार्यालय भाषा है एक तरह से हिंदी क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज

कि हिंदी और इंग्लिश को आप यूज करते हैं संविधान में संविधान नहीं जो ऑफिशियल काम होते हैं आपके कार्यालय में जो भी आपके काम पड़ते हैं हिंदी आप अगर कोर्ट में भी जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं इंग्लिश को ही यूज किया जा रहा है या हिंदी को यूज किया जा सकता है डिपेंड करता है उस स्टेट पे ठीक तो अगर हम देखेंगे तो ओला के तहत इंग्लिश क्या है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है अच्छा कई लोग कहेंगे भारत की जो है राजभाषा यानी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज है नेशनल नहीं है हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो इसकी सहकारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का स्थान आर्टिकल थ्री फोर थ्री टू के अकॉर्डिंग

दोनों की बात हिंदी और इंग्लिश की सीमें की गई है बस आर्टिकल का अंतर है थ्री फोर थ्री वन में हिंदी और थ्री फोर थ्री टू में इंग्लिश एक तो बात ये हुई क्लियर है इतनी बात इस पर भी हम क्वेश्चन भी करेंगे अगर हम जस्ट एथ स्केड्यूल की बात कर रहे थे आठवीं अनुसूची की भारत के संविधान में तो इसमें बाईस भाषाएं हैं ये आप देख सकते हैं हिंदी में भी सेम ही बात पढ़नी होगी हमें इसलिए हिंदी और इंग्लिश की बैडोगलॉजी बिल्कुल ही सेम कर दिया इन्होंने अब तो लगभग भी क्या कहूं ठीक तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत इन बाईस भाषाओं का हिस्सा है हिंदी इन बाईस भाषाओं का हिस्सा है गुजराती बंगाली है जितनी भी लिखी हुई है ये पूरी लिस्ट है जो बाईस भाषाओं की स्थिति में आती है स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बाईस भाषाएं हैं लेकिन इंग्लिश इसका हिस्सा नहीं है तो ये आपको याद रखना है ये मैंने अभी भी बताया इन बाईस भाषाओं की श्रेणी में या लिस्ट में इंग्लिश नहीं आती समझ पा रहे हैं बात को क्लियर है इतनी बात कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं है आगे बढ़ेंगे कौन नहीं है कश्मीरी है ये आप नजर मार सकते हैं जिन भी भाषाओं में आपका पेपर हो रहा है सीटेट वाला भाषाओं में होता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग हम देखें कि इंग्लिश का क्या स्थान है तो एनसीएफ कहता है इसमें दो कैच है छोटी छोटी सी बातें जिस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर हम देख रहे हैं यहां तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग अगर हम एनसीएफ में नॉर्मल पोजीशन देखें इंग्लिश की तो वो है सेकंड लैंग्वेज की ठीक अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज यानी फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और है हमारी मातृभाषा कुछ और है भारत में अगर हम बात करें लेकिन जब हम मातृभाषा का बात, बात कर रहे हैं तो उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज तो वो सेकंड पे आएगी या थर्ड पे आएगी तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम पोजीशन देखें इंग्लिश की तो वो सेकंड है दूसरी भाषा के रूप में एनसीएफ कहता है इंग्लिश को अगर हम इना मल्टीलिंग कंट्री देखें यानी एक बहुभाषी देश भारत जैसा बहुभाषी देश जहां पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं वहां पर इंग्लिश की जो स्थिति है वो फिर ग्लोबल लैंग्वेज की बन जाती है तो अगर आपसे पूछा हुआ है पेपर में कि

आंसर भी इस पर दो बार दो अलग तरीके के आए हैं उसमें रीजन यही रहा है जब इन्होंने नॉर्मली पूछा है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूछा है तो सेकंड लैंग्वेज इसकी स्थिति होती है या फिर दोनों में से एक ही ऑप्शन होता है तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कोई एक ही सही होगा ग्लोबल और सेकेंड दोनों सही हैं बट ऑब्जर्वेशन या नॉर्मल पोजीशन पूछे तो आपको सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आता है इंग्लिश की बात और मल्टीलिंगुअल कंट्री जहां बहुभाषी देश की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल लैंग्वेज हो जाती है समझ पा रहे हैं इस बात को या नहीं समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं तो भी बता दीजिए समझ पा रहे हैं तो भी बता दीजिए क्लियर है ये बात तो इंग्लिश का जो स्थान है एनसीएफ के अकॉर्डिंग वो सेकंड लैंग्वेज भी है वो ग्लोबल लैंग्वेज भी है बस आपको ये देखना है अगर ऑब्जर्व करेंगे हम किस हेडिंग के अंदर इंग्लिश आती है तो लैंग्वेज एक्विजिशन के के अंदर SLA बोलते हैं उसको आप एनसीएफ खोल देखिएगा कभी इंग्लिश आती है तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है मल्टीलिंगुअल कंट्री की बात करेगा तो ग्लोबल लैंग्वेज है दोनों है अगर एनसीएफ की बात कर ले तो ये छोटी सी बात जरूर ध्यान रखनी है अब लैंग्वेज एक्विजिशन पर हमने इतनी चर्चा की

ये आपका कल जहां तक हम ईवीएस करेंगे और परसों हिंदी या मैथ्स पेडोगलॉजी में से नोट्स की जो लोग बात कर रहे हैं रात को ही आपको ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे मैथ्स पेडोलॉजी कल मिल जाएगा तो आपके पांचों सब्जेक्ट के नोट्स फ्री आपको मिल जाएंगे इंग्लिश के नाम तो डरते हैं लोग जनरली ये देखा जाता है कि इंग्लिश पेडोगोलॉजी जब होती है तो जो नंबर ऑफ लर्नर्स है उनकी संख्या अपने आप घट जाती है जबकि इंग्लिश के अलावा भी क्योंकि संस्कृत वगैरह भी चूज की हुई है कई लोगों ने तो समझते हैं क्या कहानी है फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आगे बढ़ना इज इंपॉर्टेंट डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग चलिए समझते हैं देखिएगा अगर मैं बात करूं किस चीज की लर्निंग एक्विजिशन की तो आपको पता है ये नेचुरल प्रोसेस है मदर टंग के केस में ये यूज होता है अर्जित कर रहे हैं आप भाषा को एक्वायर कर रहे हैं अगर मैं कहूं तो रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी कोई वोकैबुलरी कोई डिक्शनरी कोई रट्टाफिकेशन कोई मेमोराइजेशन कुछ नहीं चाहिए होता एक्विजिशन में नेचुरल होती है अनकॉन्शियस प्रोसेस है खत्म अ अस्टमैटिक अप्रोच कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं कोई ग्रामर नहीं कोई रटना नहीं ग्रामर थोड़ा ना पढ़ के आपने हिंदी बोलना सीखा था ऐसे ही सीख लिया था रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर नेटिव यानी आपकी देशीय भाषा जो बोली जाती है देशज भाषा जो भी आपके एनवायरमेंट में बोली जाती है आ, शिवानी क्या कह रही है हेलो मैम मेरा एग्जाम 28 को होगा इंग्लिश पडागॉजी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पी वाई क्यू से किया है मैंने प्रैक्टिस और आपकी वीडियो भी देखी है लव यू मैम बहुत बढ़िया शिवानी ये नोट्स अगर नहीं पढ़ी हो दो रीडिंग कम से कम दे लेना ले क्योंकि नोट्स में टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में आपको अरे तरीका आज ज्यादा ही एनर्जी आ गई है मेरे में तो ये फट गया खैर तो इंग्लिश पडागॉजी आपको मिल जाएगी किसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वो आपको मल्टीपल रिवीजन ले लेने हैं और ये जो सेशन है इनफ रहेगा अकेला ही अगर आप ठीक से समझ लें मैथ्स पैडोगॉजी कल मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है टेंशन नहीं है लेनी चाहे लैंग्वेज वन हो लैंग्वेज टू हो पेपर वन हो पेपर टू हो रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल सही बात है जो हमारे ब्रेन में मस्तिष्क में क्षमता है कि हम भाषा को चाहे वो नेटिव लैंग्वेज हो या फिर सेकंड लैंग्वेज हो दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं अगर आपके एनवायरमेंट में दो तीन भाषाएं बोली जाती हैं जब आप छोटे थे पांच साल की उम्र तक साल की उम्र तक तो आप दोनों भाषाओं को एक्वायर कर लेते तो ये क्या हुआ इनेट कैपेसिटी है हमारे ह्यूमन ब्रेन में मानव मस्तिष्क में जिसके थ्रू हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज इस लर्निंग की वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस लर्निंग का मतलब ये है कि आप उठा रहे हैं सीख रहे हैं फाइनली तो आप सीख ही रहे हैं ना एक्वायर भी किया है तो आपने सीख तो लिया ही ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है लर्निंग वर्ड

कि या तो आप पूरा देखिए या बिल्कुल मत देखिए क्योंकि पूरा डिजाइन ही इस तरह से किया है कि एक एक चीज काम की हो नॉम चॉम्सकी की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉम चॉम्सकी क्या कहते हैं नॉम चॉम्प्स अपने आप में एक अमेरिकी अभी तो आई थिंक डेथ हुई है रिसेंटली या पता नहीं जीवित हो सकते हैं तो नॉम चॉम्सकी की अगर हम बात कर रहे हैं नाइन्टीज में थे वैसे भी अपने तो नॉम चॉम्सकी ने कहा कि हम Humans ये नेटिविस्ट कहे जाते हैं यानी ये कह रहे हैं कि हेरिडेटरी हेरिडेटरीली हमारे अंदर क्षमता होती है भाषा को सीखने की नेटिविस्ट, है। नेटिविस्ट है। ठीक। humans have an इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी humans में एक आंतरिक क्षमता है मानवों में एक आंतरिक क्षमता है जानवरों में नहीं है मानव शिशु में एक आंतरिक क्षमता है भाषा को एक्वायर करने की यानी अर्जित करने की विदाउट डेलिवरेट एफर्ट और प्रैक्टिस नेचुरली किसके थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू एल ए डी के थ्रू ठीक लैंग्वेज एल फॉर लैंग्वेज भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है हिंदी में और ये एल एडी ही है यानी एक यंत्र है हमारे ब्रेन में कहीं ऐसा ही कहते हैं ये हाइपोथेटिकल है एक्चुअल में नहीं मिलता तो अगर हम देखें तो ब्रेन के दो हैमिस्फेयर हैं एक लेफ्ट है एक राइट right हेमिस्फेयर है तो राइट right आपको पता है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है अगर एलईडी कहीं होता होगा तो क्योंकि ब्रेन जो है सॉरी जो लैंग्वेज है वो ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में है एल फॉर लेफ्ट एल फॉर लैंग्वेज तो लैंग्वेज क्या है लेफ्ट हेमिस्फेयर में पाई जाएगी ठीक तो भाषा क्योंकि लॉजिकल ब्रेन जो है आपका वो लेफ्ट ही है और लॉजिक मतलब संज्ञान से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी वो लेफ्ट ब्रेन में होंगी कागनेटिव डेवलपमेंट से और कॉग्नेशन का ही हिस्सा है क्या लैंग्वेज अगर हम देखें तो या अगर हम जोड़ इंटर है। तो, या अगर होता होगा, तो में पाया जाएगा अब क्या है? हमारे एक, है जो एक तरह से अर्जित कर रहा है। जैसे एक चुंबक नहीं होती या हम कहीं एक मैग्नेट की तरह हमारे अंदर एक डिवाइस लगा हुआ है और वो जैसे ही भाषा के वर्ड्स आ रहे हैं चारों तरफ से टीवी से कार्टून से रेडियो से लोगों से वो अर्जित करता जा रहा है संग्रहण करता जा रहा है उनका और भाषा सीख जाएगा ऑटोमेटिकली नेचुरली ये कह रहे हैं कौन नॉम चोम की तो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिसके थ्रू हम भाषा को एक्वायर करते हैं और ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम है ये सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के के लिए ये धीरे धीरे एज साथ वीक होता जाता है क्रिटिकल पीरियड फॉर एल ए डी इज टिल फाइव ईयर्स ऑफ एज या चाइल्डहुड हद से हद कह सकते हैं टिल फाइव ईयर्स ऑफ एज पांच साल तक बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेगा फाइव ईयर्स या हम कहेंगे चाइल्डहुड हद से हद सेहद दस एक साल के बाद तो फिर वीक ही होगा तो हमें दिक्कत होती है जब आप मान लीजिए बीस साल के व्यक्ति हैं तो आपको दूसरी भाषा मान लीजिए आप रहते हैं भारत में और आपका एक बच्चा है जो पांच साल का है आपकी उम्र है तीस साल और उस बच्चे की टाइम से निपटा लिए थे सारे काम आपने है ना पच्चीस साल में बच्चा हो गया था शादी वादी टाइम से कर ली थी और आपने क्या किया तीस साल के आप हैं और पांच साल का आपका बच्चा है दिल्ली में रहते थे आप अमेरिका शिफ्ट हो गए यूरोप चले गए अब मान लीजिए वहां जो है इंग्लिश भाषा बोली जाती है तो आपके उस पांच साल के बच्चे ने बहुत तेजी से भाषा को एक्वायर कर लिया और आपकी फैमिली में कोई मेंबर है जिसको वो इंग्लिश पहले से नहीं आती थी उसको समय लग रहा है क्योंकि उसकी उम्र तीस साल है या पैंतीस साल है या आप खुद है मान लीजिए किसी कारणवश तो उस स्थिति में आपको इंग्लिश सीखने में ज्यादा दिक्कत होगी बच्चा नेचुरली सीख जाएगा क्यों क्योंकि उसका एल मजबूत है वीक हो गया आपका धीरे धीरे क्योंकि आपकी उम्र अडल्टुड में तो आप ज्यादा काम का नहीं है तो टिल फाइव ईयर्स ऑफ एज बहुत ज्यादा क्रिटिकल पीरियड है संवेदनशील संवेदनशील पीरियड है हम कहते हैं फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है सबसे तीव्र गति से गति से भाषा का विकास वो आपका अर्ली चाइल्डहुड दो से छ वर्ष के अंदर ही होता है उसके बाद लैंग्वेज का विकास उतनी तेजी से नहीं होता क्लियर है बात क्लियर है नहीं जैसे जनरली कहा जाता है कि तीन वर्ष की उम्र के आसपास हजार वर्ड की वोकैबुलरी होती है अभी इस पर भी आएंगे नाइन हंड्रेड प्लस वर्ड्स छह वर्ष तक आते आते आठ हजार शब्द तक पहुंच जाती है तो देख रहे हो कितनी तेजी से इन तीन वर्षों में भाषा का विकास हुआ है मल्टीफोल्ड्स में बहुत तेजी से ठीक तो ये बेसिक बेसिक सी बातें है जो आपको ध्यान रखनी है तो एक तो चॉम्सकी ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की याद रखना लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है ह्यूम्स में ये हमें नए ग्रामेटिकल रूल्स को जनरेट करने में भी मदद करता है ठीक दूसरा इन्होंने एक बात की है यूनिवर्सल ग्रामर की जिसको हम सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर अब ये यूनिवर्सल ग्रामर कौन सी चीज है इन पर क्वेश्चन आता है हिंदी में भी इंग्लिश में भी यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक ग्रामर यानी सभी भाषाओं में कुछ रूल्स कॉमन होते हैं जिनको हम एक्वायर कर लेते हैं नेचुरली यही है यूनिवर्सल ग्रामर यानी सभी भाषाओं के जो कुछ नियम है वो कॉमन होते हैं और इसकी वजह से हम क्या है एक्वायर कर लेते हैं लैंग्वेजेस को तो ये यूनिवर्सल ग्रामर है जो सभी भाषाओं में कुछ चीजें कॉमन पाई जाती है, कुछ basic rules हैं कुछ बेसिक जो कॉमन पाए जाते हैं और एक जनरेटिव ग्रामर होती है जिसकी ये बात करते हैं यानी हमारे अंदर ग्रामेटिकल रूल्स को जनरेट करने की इस एल की मदद से क्षमता होती है ठीक है हम कुछ रूल्स बिल्कुल गलत बोलते ही नहीं है अपने आप ही बच्चों को पता है कि खाना खा रही है माँ ये नहीं बोलते रही है खा माँ वो बच्चा बोलना भी शुरू करेगा गलत गलत भी बोलना के भी बोलना शुरू करेगा तो वो यही बोलेगा मम्मी खाना खा रहे हैं तो ये क्या हुआ क्या उसको पता एक है एक सेंटेक्टिकल मैनर है ग्रामर है एक यूनिवर्सल ग्रामर है तो एल कैच कर लेता है उस चीज को एंटीना की तरह है और जनरेट कर सकता है ग्रामेटिकल रूल्स को तो ये बात है चॉम्स की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट बहुत बार रिपीट हुआ है सीटेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कई बार तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की फुल फॉर्म ही पूछ लेगा और एक ही जगह पे कुछ कह देगा कुछ और कह देगा एक्विजिशन की जगह कुछ और वर्ड लिख देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे ध्यान नहीं देंगे या गलत हो जाता है ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन तो ये एलईडी जो है वो बाय बर्थ हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर भाषा को एक्वायर करने की क्षमता है इस एलईडी की वजह से किसने कहा है सिंपल बात है चॉम्स की चचा ने चॉम्स बाबा जी हैं चा नहीं कहेंगे तो नॉम चोमी ने कहा है अमेरिकी लिंग्विस्ट हैं ये अमेरिकन एक और क्वेश्चन है से से फिर हम स्किनर और ली हर बार क्वेश्चन आ रहा है अगर आप देखेंगे इस बार ऑनलाइन में तो स्पेशली पूछा गया है पहले भी आता था मैंने कराया है पुराने समय में अगर आपको याद होगा तो मैं बताती थी मैराथॉन्स में व्हिच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चोम्स आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कौन सा आइडिया नॉम चोम्सकी के बारे में सही होगा लैंग्वेज एक्विजिशन को लेके तो चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स भाई सभी कल्चर में एक पैटर्न तो फॉलो होता ही है ना लैंग्वेज का बिल्कुल सही बात है मानेंगे शॉम्स की इस बात को तभी तो वो कह रहे हैं पूरे ह्यूम की बात हुई है द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर एट अबाउट द सेम एजेस इन मोस्ट चिल्ड्रन लगभग सेम एज की तो बात हो रही है अगर एलईडी मजबूत है तो वो सभी के लिए मजबूत है ना पांच साल की उम्र तक यानी एज भी मैटर करती है चिल्ड्रन एक्वायर क्विकली एंड एफर्टलेसली भाषा को फटाफट से एफर्टलेसली बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता नेचुरली उठा लेते हैं सही बात है सारी ही बातें जॉम्स की अकॉर्डिंग सही है तो डी ऑप्शन है ए नहीं है ध्यान से पढ़ा नहीं जिन लोगों ने उन्होंने गलती इसमें की है आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन है फिर उसके बाद हम चलेंगे सेपर वोल्फ की हाइपोथेसिस पे लगभग सारी ही थियोरी जो भी पूछे जाती है हम कर लेंगे लैंग्वेज को लेके लैंग्वेज एक्विजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट ये भी बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मैथडोलॉजी मैथेडोलॉजी का तो मतलब फिर एक्विजिशन नहीं होगा लर्निंग ही हो जाएगा क्योंकि आप किसी एक फॉर्मल डिवाइस के थ्रू सीख रहे हैं लर्निंग अ लैंग्वेज बाय टेकिंग रिसोर्स टू वंस मदर टंग यानी मदर टंग का रिसोर्स की तरह यूज करके तो फिर तो ये तो सेकेंड लैंग्वेज की बात हो गई लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट ये क्या है लैंग्वेज लर्निंग का उदाहरण है ना कि एक्विजिशन का ठीक है बात तो बात क्या सही है यही सही है कि लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट एनी डेलिब्रेट यानी कोई एक प्रयास नहीं कर रहे हैं आप कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है लैंग्वेज सीखनी है मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूं ऐसी कोई बात नहीं होती ना मातृभाषा में आप बस सीख लेते हैं नेचुरली तो विदाउट डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट आप भाषा सीख लेते हैं अच्छा एक बार बात मुझे इससे याद आई कि जो लैंग्वेज सीखने के लिए एक प्री रिक्वेस्टेड होता है जनरली पूछ लेता है पेपर में तो डैश इज अ जवाब दीजिएगा फिलिंदा ब्लैंक को भरिएगा डैश इज अ प्री रिक्वेस्ट प्री रिक्वेस्ट टू लर्न अ लैंग्वेज लर्न अ लैंग्वेज बताइएगा क्या है ये कोई बताए बहुत बढ़िया आग लगा दी आप लोगों ने लिटरली मतलब बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया सारे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही मोटिवेशन क्या है अभिप्रेरणा जो है वो पहली शर्त है प्री रिक्वायरमेंट है अनिवार्यता अनिवार्य अनिवार्यता है एक तरह की यानी अभिप्रेरणा क्या है पहली शर्त है भाषा सीखने की तो अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो भाषा बहुत जल्दी से सीख जाएगा एक्विजिशन की बात नहीं हो रही लर्निंग की बात हो रही है तो मोटिवेशन इज अ प्री रिक्वेस्टेड टू लर्न अ लैंग्वेज यदि बच्चा मोटिवेटेड है तो वो सीख जाएगा पहली शर्त है फर्स्ट एक तरह से रिक्वायरमेंट है प्री रिक्वायरमेंट है रिक्वेस्टिड का मतलब यही होता है तो मोटिवेशन पहली शर्त है बच्चा मोटिवेटेड है ये तो स्किनर ने भी कहा है ना कि मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे टू लर्निंग यानी एक राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह होता है कि जितने ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे लर्निंग की गाड़ी उतनी ही बढ़िया तेज आपकी भागेगी जैसे एक नेशनल हाईवे पर भागती है ठीक है चलिए एक और छोटी सी बात मुझे यहां बतानी है वो कैब के बारे में ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने कितना शब्द भंडार के सेज में होता है कोई बताना चाहेगा अगर शब्द भंडार की हम बात करें इयर्स लिख लेते हैं एक तरफ एज लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लेते हैं जो बच्चे को आते होंगे उस एज में ठीक है और भाषा की कुछ स्टेजेस भी होती है वैसे मैंने नोट्स में दी हुई है बट लीव ऑर्फ पढ़ने से पहले ये कर लेते हैं अगर हम बात करें एक साल की तो हम कहते हैं तीन शब्द थ्री वर्ड्स के अराउंड बच्चा जानता होगा अगर हम बात करते हैं दो साल की तो हम कहते हैं दो शब्द के आसपास बच्चे को आते होंगे ये एक व्यक्ति है एडम उनके अकॉर्डिंग है और ये इन जनरल भी ऐसे ही होता है Five years में बच्चे के पास और फोर ईयर्स की बात करूं तो कुछ सोलह सौ सो के आसपास ठीक फाइव इयर्स में हम कह रहे हैं दो हजार बहत्तर ढाई हजार भी हो सकते हैं कई लोगों के अकॉर्डिंग बट इसी के अराउंड रहेंगे तो आपसे अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो ये आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी एज में कितना होगा छह साल में तो फिर कई केसेस में आठ हजार से भी ऊपर चले जाते हैं और कई केसेस में थोड़े कम होंगे छह हजार होंगे है ना तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है क्लियर है एक साल में तीन शब्द दो साल में दो सौ बहत्तर पांच साल में दो हजार बहत्तर ये एडम्स के अकॉर्डिंग है और इसी में आप तीन साल में इसके बीच का एक आइडिया ले, ले लेंगे कि हजार के आसपास होते हैं नाइन हंड्रेड प्लस चार साल में सोलह सौ के प्लस सोलह सौ के आसपास और पांच साल में दो हजार बहत्तर ठीक है ज्यादा टेंशन इसमें लेनी ही नहीं है अच्छा स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज की बात कर लेते हैं छोटी सी बात है बस मिनट लगेगी होती है आपकी छह सप्ताह के आसपास सिक्स वीक्स यानी क्या होता है कोई मतलब नहीं है बस कूकना वैसे आवाजें निकालना शुरू किया है बच्चे ने पो ऐसे कोई टेढ़ी मेढ़ी आवाजें निकालता रहता है ठीक कूंग हो गया ये फर्स्ट वैसे फर्स्ट स्टेज जनरली क्राइंग भी मानी जाती है कि बच्चा जब रोता है तो वही पहली स्टेज है लेकिन हम कुइंग से ही शुरू कर रहे हैं अगर पेपर में ऑप्शन क्राइंग का दिया हो तो उसको लगा देना फिर हम इसके बाद बात करते हैं किसकी बैबलिंग की बैबलिंग से क्वेश्चन आता ही है मैं अभी कराऊंगी भी भी एक क्वेश्चन मतलब बल बलाना। ये हिंदी में भी पढ़ेंगे इस तरह के सिंगल सिलेबल वर्ड्स वो बोलने लगे जिसमें एक वाउल की सहायता से जो वर्ड बोला जा सके फिर आती है आपकी वन वर्ड स्टेज यानी एक शब्द को क्लियरली जैसे पानी खाना वट एवर एक साल के आसपास वो बोलने लगता है ठीक और अगर हम बात करते हैं टू वर्ड या टेलीग्राफिक स्टेज पे भी क्वेश्चन आपका आता है टू वर्ड स्टेज जिसको हम कह देते हैं और टेलीग्राफिक जनरली पूछ लेता है कि नए शब्द बच्चा कब बनाना शुरू कर देगा दो शब्दों को जोड़ करके बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स तो ये है आपके 18 से 24 महीने यानी डेढ़ से दो साल 18 मंथ्स मंथ्स टू 24 डेढ़ से दो वर्ष की उम्र में बच्चा टेलीग्राफिक स्टेज यानी नए शब्द फॉर्म करना शुरू कर देगा टू प्लस वर्ड्स को जोड़ के एक नया सेंटेंस मम्मी खाना दे दो है ना तो ये हुई कहानी आपकी किस तरह से स्टेजेस वर्क करती हैं इतना ध्यान रख सकते हैं सरकार क्लियर है ये बात कोई दिक्कत नहीं है चलिए फिर आगे बढ़े बढ़ सकते हैं अब आगे अब लीव ऑर्फ की हाइपोथेसिस एक नंबर का क्वेश्चन है हल्का सा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारी सी हाइपोथेसिस है व्यक्ति हैं बेंजामिन सेपर और ली वोर्फ ये ली वोर्फ बेसिकली इनके स्टूडेंट थे बेंजामिन सेपर के तो वोर्फ और अगर हम सेपर की बात करें तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है एक परिकल्पना दी है एक प्रिंसिपल दिया एक तरह का कि लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो द सेपर वोर्फ हाइपोथेसिस पोजिट्स दैट लैंग्वेज इधर और इन्फ्लुएंसेस वंस थॉट कई बार क्या होता है लोग प्याजे लगा देते हैं इसमें जब ये पेपर में आता है अभी मैं दिखाऊंगी किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा ये मैं सोचेगा अब अब क्यों आएगा है ना तो ये की हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो लैंग्वेज है वो सुनिश्चित करती है थॉट को लैंग्वेज क्या है इन्फ्लुएंस करती है व्यक्ति के थॉट को प्रभावित करती है यानी जिस देश काल में आप रहते हैं जो भाषा वहां बोली जाती है उसी प्रकार के आपके विचार होते हैं यानी अगर आपके देश में आप हिंदी भाषा जानते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है आपके जो विचार हैं वो एक तरह के होंगे और अगर आप इंग्लिश भाषा बोलते हैं आप देखिएगा कभी बोलते बोलते हुए भी सेम व्यक्ति जब आप आप हिंदी हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा अंतर पाते हैं हैं जब आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी हल्की सी चेंज होती है है ना और होता है ना जब आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो गुस्सा आता है तो आप इंग्लिश में किसी को गाली देना पसंद करेंगे ऐसा होता है जनरली तो बेसिकली वो पर्सनैलिटी चेंज हो गई उस टाइम पे कुछ हद तक तो हम ये कहेंगे कि जो लैंग्वेज है यानी <laughs> मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि इंग्लिश इंग्लिशाली देने की भाषा है लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है किस पर थॉट पर तो जिस भाषा को आप जानते हैं उसका आप कल्चर पढ़ते पढ़ते हैं म, sorry, हैं हैं सॉरी उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स उसकी हिस्ट्री थ्रू या जो भी सोर्सेज किताबें पढ़ते हैं उस तरह की आपकी थॉट होता है उस तरह का आपका थॉट होता है ठीक है ना है ना अगर हम बात कर रहे हैं उसी तरह के आपके थॉट्स होंगे तो जो भी लैंग्वेज जिस भी जगह पे आप रहते हैं जिस भी देश में जो भी भाषा वहां बोली जाती है आपके थॉट्स पे आपके कॉग्निशन पे भी वो प्रभाव डालती है वो भाषा पर्टिकुलर है ना आपके थॉट्स भी वैसे ही होते हैं बस इतनी सी बात इन्होंने कही है कि लैंग्वेज थॉट्स या लैंग्वेज डिटर्मिन प्याजे कह रहे थे कि थॉट डिटरमिन आर लैंग्वेज वो एक अलग कहानी है ये कह रहे हैं कि कल्चरल प्रभाव भी आएगा जो भी भाषा आप बोलते हैं जिस भी जगह पे आप रहते हैं जैसी भाषा आप बोल रहे हैं वैसा ही आप इतिहास पढ़ेंगे उसी तरह की आप बातें सुनेंगे तो उसका प्रभाव होगा तो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है जो भी भाषा आप बोल रहे चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो उसका प्रभाव आपके थॉट पे आपकी पर्सनैलिटी पे आपके कॉग्निशन यानी आपके संज्ञान पर यह कह रहे हैं ली और वोर्फ की हाइपोथेसिस में एक क्वेश्चन आपके सामने है इससे आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे क्वेश्चन है द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमेन्स द वे वी थिंक यानी जिस तरह से आप सीख रहे हैं वो आपकी भाषा निर्धारित कर रही है ये जस्ट ऑपोजिट है जो बात प्याजी कह रहे थे लेकिन वो पहले और बाद की बात कर रहे थे कि लैंग्वेज पहले आती है कि थॉट पहले आता है इन्होंने पहले और बाद की बात नहीं की है ये समझना जरूरी है इन्होंने ये बात की जो भी भाषा आप बोल रहे हैं चाहे लैंग्वेज पहले आई हो थॉट पहले आया हो इनको फर्क नहीं पड़ रहा यह कह रहे हैं भैया जो लैंग्वेज है वो निर्धारित कर रही है आपके विचार कैसे होंगे आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी आपकी आपका संज्ञान कैसा होगा आपका सोचने का तरीका कैसा होगा तो द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ल्ड हम दुनिया के बारे में कैसे सोचेंगे ये हमारी लैंग्वेज निर्धारित करती है ये बात ली वोर्फ ने कहा है ई I मीन mean, ये बात ली वोर्फ ने कही है नॉट कहा है ठीक तो हम ये कहेंगे द तो सेपर वोर्फ हाइपोथेसिज ये बात कहती है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट पहले डायरेक्ट पूछा गया था एक बार ये 2017 हजार में आया होगा या 18 में आया होगा तो लैंग्वेज डिटर्मिंस और ये इस बार ऑनलाइन पेपर में आया हुआ है तो लैंग्वेज इन्फ्लुस आर थॉट या लैंग्वेज डिटर्मिन वे वी थिंक एंड परसीव द वर्ल्ड ये क्या हुआ सेपर वोर्फ हाइपोथेसिस है ठीक और इसको एक और चीज ध्यान में रखिएगा इसको अगर सेपर वोर्फ भी नहीं कहता ना तो ये लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म कह देता है इन्होंने डिटर्मिनिज्म की बात की है कि लैंग्वेज डिटर्मिन करिए सुनिश्चित करिए कि आपके थॉट्स कैसे होंगे लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म की हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं इसको तो ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है ये रिलेटिविटी सोशलाइजेशन एक्विजिशन नथिंग इसका यहां पे कोई संबंध भी नहीं है तो या तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं इसको भाषाई नियतिवाद कह देते हैं कि भाषा नियत कर रही है कि आपकी सोच समझ या आपको दुनिया का देखने का नजरिया आपके दुनिया को देखने का वो कैसा होगा ठीक है शनाया क्लियर है चलिए रोशनी करेंगे इस पर चर्चा तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं इसको या लीव और फाइपोथेसिस भी कहते हैं अब स्किनर की बात करते हैं एक क्वेश्चन इन पे भी आया इस बार तो दो दो क्वेश्चन एक एक साइड में दे दिए स्किनर से पहले से आता है इन पे क्वेश्चन हर साल एक स्किनर की अगर हम बात करेंगे वही स्किनर है जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है ये आप आगे जाके पढ़ेंगे सी के बाहर की दुनिया में ठीक तो स्किनर क्या कह रहे हैं कि बच्चा इमिटेट करके लैंग्वेज को सीखता है वैसे तो बेंडूरा ने कहा है कि इमिटेट करना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बट लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में इनकी एक बुक है वर्बल बिहेवियर वर्बल बिहेवियर व्यवहारवादी थे तो ये कह रहे हैं इमिटेट करके यानी बच्चा इमिटेट करके कॉपी करके आसपास जो उसके बोल रहे होंगे लोग अनुकरण करके ये हिंदी में भी क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ जाएगा, जाएगा अनुकरण करके भाषा सीखता है और जब वो अनुकरण करके तुतला के बोलता है, है ना मम्मी मम्मी पानी दे दो खाना दे दो तुतला के बोलेगा मान लो तो बाप खुश होते हैं और वो उसको री करते हैं पुनर्बलन देते हैं वेरी गुड बेटा अगली बार और

30 के आसपास मुझे लगता है और उस टाइम पे तो बाकी रिसोर्सेज थे भी नहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो हम ही मेजरली प्रेपरेशन करा रहे थे तो बहुत सारी चीजें हैं खैर तो स्किनर की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्किनर सजेस्टेड दैट अ चाइल्ड इमिटेट्स द लैंग्वेज यानी चाइल्ड क्या है कॉपी करता है इमिटेट करता है अनुकरण करता है लैंग्वेज को

निकल जाएगा रुचि और सिर्फ पैडागॉजी क्यों करोगे कल ईवीएस कराऊंगी ना मैथ्स की भी मैं वन शॉट वन शॉट वाले जो सेशन है से, इनको भी देख जाओगे तो पेपर रुकेगा नहीं है ना सिर्फ पैडागोलॉजी क्यों तो स्किनर की अगर हम बात करें और वो पैसेज भी छोड़ के नहीं आना है वहां जो समझ में आए उस हिसाब से कर देना है मैंने आपको एक पैसेज का वीडियो भी बताया था की पकड़ के पैसेज को सॉल्व कर दिया करो अगर कुछ भी समझना है एंड मोमेंट पे तो और लाइक शेयर करना अगर भूल गए तो कर दीजिए वैसे जब मैं कंटेंट जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब ये लाइक शेयर वाली चीजें याद रहती नहीं है स्किनर ओपिनियन दैट चिल्ड्रन इन दी लैंग्वेज करते हुए क्या करते है? करते है, ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं हाँ चॉम्सकी की तो वो कहते हैं कॉपी नहीं वो जनरेट करते हैं रूल्स को एलईडी के माध्यम से तो ये अंतर है दोनों में एक और क्वेश्चन है इनसे पढ़ लीजिए एक बार जवाब दीजिएगा आज पोल नहीं मिलेगा आपको हमने निशा को घर भेज दिया है क्योंकि हमें अभी क्वेश्चंस भी है हैं और आपके लिए टॉपिक्स मीटअप करेंगे हम लोग आफ्टर रिजल्ट पेपर फाड़ देंगे नहीं फाड़ के नहीं आना लिटरली पेपर को फोड़ के आना है मतलब मेटाफॉरिकली पास होना है अच्छे नंबर लेकर के आना है बिल्कुल करेंगे पारुल मीटअप करेंगे सीटेट एग्जाम के बाद देखिए

को पढ़ लिया ली लीवोर्फ को पढ़ लिया अब हम देखते हैं प्याजे और वैगोस्की से भी एक एक क्वेश्चन आता ही है प्याजे और वैगौस्की का डू ये आप देख ही रहे हैं ठीक तो अगर हम बात करें प्याजे और वैगोस्की की तो इनके बारे में सिर्फ दो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए एक क्या है फॉर प्याजे थॉट प्रोसीडेड लैंग्वेज यानी थॉट भाषा से लैंग्वेज से पहले आया यानी थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज एज पर प्याजे यार ये डिटर्मिन भी करेगा सुनिश्चित भी करेगा कि आप बोलने क्या वाले हैं है ना भाई मेरे दिमाग में कोई विचार आया होगा ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में आप केवीएस में जाएंगे भगवान करे आपका तुरंत से हो पहले ही अटेम्प्ट में में आप केवीएस जाएंगे और वहां आपसे पैनल में से क्वेश्चन पूछा किसी मेंबर ने तो आप पहले सोचते हैं वो सोच निर्धारित करती है कि आप क्या बोलेंगे तो प्याजे कह रहे हैं कि पहले बच्चे के दिमाग में थॉट आता है जब वो इस पैन के बारे में बात करना नहीं सीख पा रहा उससे पहले उसके दिमाग में विचार है बेशक वो बेशक वो इस बारे में बोल नहीं पा रहा अभी तो अ चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट यानी बच्चा पहले सोचना सीखता है Then from that thought speaks. Yani, उस थॉट के माध्यम से बाद में बोलना सीखता है यानी yani, पहले विचार आएगा बाद में भाषा लीवर्फ ने ऐसा कुछ नहीं कहा लीवर्फ कह रहे हैं पहले कोई भी आता हो हमें कोई मतलब नहीं है बट लैंग्वेज निर्धारित करती है विचार को या आपकी पर्सनैलिटी को या आपके वर्ल्ड व्यू को लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म वो अलग चीज है वो यही कह रहे पहले कौन आएगा तो थॉट पहले आता है और डिटर्मिन भी करता है सुनिश्चित भी करता है कि आप बोलेंगे क्या प्रोसीड भी करता है यानी थॉट क्या है प्रोसीड कर रहा है यानी यानी पहले आएगा लैंग्वेज लैंग्वेज से की जब हम माने तो कहते हैं कि थॉट थॉट एंड स्पीच और जो है वो सेपरेट होते हैं पहले इनिशियली बाद में तीन साल के बाद मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में तो शुरुआत में पैरल चलते हैं बाद में मर्ज हो जाएंगे और ये कहते हैं कि प्रॉपर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो तब होगा जब छह साल में बच्चा इंटरनलाइज कर जाता है भाषा को इंटरनालाइज मतलब उसके अंदर बैठ जाती है मन में जब वो बात कर पा रहे साइलेंट इनर स्पीच जिसको हम कह रहे हैं साइलेंट इनर स्पीच जिसको हम कह रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं कि लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है बट उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज की बात है वो कह रहे हैं कि थॉट से से लैंग्वेज लैंग्वेज आ रही है है डेवलपमेंट का विकास होता ठीक है ना हाँ इंटरव्यू में बिल्कुल मिलेंगे पारुल आप अच्छा कीजिए देखिएगा इंटेक्ट प्रोसेस दैट मर्ज अराउंड थ्री अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लेते हैं नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे भाई प्याजे तो क्या कहेंगे प्याजे कह रहे हैं जब हम प्याजे की मान रहे हैं तो प्याजे के अकॉर्डिंग जो थॉट है वो पहले डेवलप होता है यानी बच्चा सोचना सीखता है चिंतन सीखता है पहले बाद में उसको भाषा के थ्रू एक्सप्रेस करता है या अभिव्यक्त करता है तो थॉट लैंग्वेज से पहले आएगा और ये सुनिश्चित भी करेगा यानी ये डिटर्मिन भी करेगा कि भाषा बोली क्या जाएगी या भाषा कैसी होगी है ना तो थॉट क्या करता है एक तो प्रोसीड करता है लैंग्वेज को ये आपको प्याजे के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखना है ठीक

गनेटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज डेवलप होती है ऐसा प्याजे कहते हैं ये छोटी सी बात है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है ठीक वही वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना निश्चित है इससे पहले अगर हम वाइगॉस्की को भी साइड कर दें तो एक और चीज है प्याजे ने किसकी बात की है वो जो दो से सात वर्ष में आपकी आती है तीन से छह स्पेशली प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्री ऑपरेशनल प्याजी की हम पढ़ चुके हैं जिन्होंने प्रीवियस मैराथन नहीं देखे हैं सीडीपी वाले वो देख लें अब इसमें क्या आता है आपको पता है सिंबॉलिक थॉट आता है सिंबल्स के थ्रू बच्चा भाषा सीखेगा सिंबल्स के थ्रू उसको कहना सीखेगा ऑल ठीक है इतनी बात सीखेगाट्रिक स्पीच की बात पे आज करते हैं भाई कह रहे हैं कि ठीक है लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है मान लिया इगोसेंट्रिक स्पीच यानी अहम केंद्रित वाक यानी बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है दूसरे के परस्पेक्टिव को नहीं समझ पाएगा खुद से ही बोल बोल के बातें करना दो से छह वर्ष में इसी ईगो सेंट्रिक को बैगोस्की ने क्या कहा प्राइवेट स्पीच कहा है तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए और अगेन जब कॉगोलेटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है प्याजे के अकॉर्डिंग तो हमें ये भी पता है इसका मतलब जैसे हम स्कीमा में अडेप्टेशन करते हैं एसिमुलेशन और एकोमोडेशन करते हैं उसी से भाषा भी फिर विकसित होगी क्योंकि लैंग्वेज को भी हम अडेप्ट कर रहे होंगे एसिमुलेट कर रहे होंगे यानी भर रहे होंगे फिर चेंज कर रहे होंगे एकोमोडेट करके यही सब बुलेट वाला भैया हो रही होगी चीजें ठीक है ना सनाया क्या कह रही है पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया है कौन सा बैच लो जनरल बैच ले लो और एक वो अपना पैडोलॉजी वाला ले लो ठीक ये दोनों अलग अलग बैचेस हैं उसके लिए क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट के लिए खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा हिंदी हमारे पास शायद सब्जेक्ट में अवेलेबल है और इंग्लिश देखिएगा वायगॉस्की की बात करते हैं वाइगॉस् कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज पैलोली चल रहे हैं इंडिपेंडेंट चल रहे हैं अलग अलग इंडिपेंडेंट भी नहीं वो कह रहे हैं सेपरेट चल रहे हैं ठीक थॉट और लैंग्वेज सेपरेट चल रहे हैं तीन साल के बाद ये मर्ज हो जाएंगे क्या हो जाएंगे मर्ज हो जाएंगे और अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि अगर किसकी जो आपकी लैंग्वेज है लैंग्वेज क्या है एक टूल है ग्रेटेस्ट टूल है जिससे कॉग्नेशन का डेवलपमेंट होगा तो लैंग्वेज से कॉग्नेटिव डेवलपमेंट होता है ये जस्ट ऑपोजिट बात है किसकी प्याजे की लैंग्वेज से काग्नेटिव डेवलपमेंट हो रहा है वहां प्याजे कह रहे थे कॉग्नेटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज आ रही है समझ पा रहे हो ना कि भाई जब आपको भाषा आती है तो आप अपनी समझ बेहतर करते जाते हो जैसे आप अभी कर रहे हो क्योंकि आपको भाषा आती है तो आप भाषा से समझ बेहतर कर रहे हो वहीं प्याजे कह रहे हैं कि पहले एक लेवल की समझ आती है उसके बाद तो भाषा विकसित हो रही है ठीक तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंसेज है दोनों के अब इन्होंने तीन प्रकार की भाषा की बात की है किसने वाइकॉस्की ने पेपर में आता है क्वेश्चन फटाफट से समझेंगे एक मिनट का टाइम देकर के एक है आपकी तीन प्रकार की भाषा है सोशल स्पीच फटाफट से बोल के बताओ घर वालों को चिल्ला चिल्ला के रात को उठा दू कितना टाइम हुआ है अभी तो ग्यारह भी नहीं बजे अभी इसे क्यों मोटिवेशन डाउन कर रहे हो पढ़ो बैठ के एक सेशन से अगर पंद्रह नंबर आ रहे हैं तो क्या बुरा है और ये पंद्रह में भी हेल्प करेंगे जो भी हिंदी की इंग्लिश की संस्कृत की जो भी बैडोलॉजी होगी अगर आप बेसिक्स समझ पा रहे हैं तो तो सोशल लैंग्वेज यानी सामाजिक वाक जो बच्चा आपस में बोल बोल के बात करता है कब दो वर्ष तक आ जाती है बच्चा आसपास बोलना चीजों अपनी बात के है ना सीख जाता है वो दो शब्द जोड़ दो शब्द जोड़ करके नए शब्दों का प्रयोग साइन लैंग्वेज की बात हमने शुरुआत में की है फिर आती है प्राइवेट स्पीच प्राइवेट स्पीच या प्राइवेट लैंग्वेज जिसको हम कह रहे हैं तीन से छ वर्ष अब बच्चा यहां खुद से सेल्फ टॉक करेगा खुद से बोल बोल करके बातें मन में नहीं बाहर बोलेगा खुद खुद से से लेकिन बाहर कोई खिलौना जोड़ते हुए खेलते हुए खेलते बात करेगा टी शर्ट मोल्ड करते हुए खुद से बात करेगा और इस सेल्फ टॉक को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं ये कह रहा है बच्चा गाइड कर रहा है खुद को सेल्फ डायरेक्शन देगा यानी प्राइवेट टॉक से या प्राइवेट स्पीच से सेल्फ गाइड करेगा स्वयं निर्देशन देगा या डायरेक्शन देगा सेल्फ थॉट रेगुलेशन जो है सेल्फ रेगुलेशन कर पाएगा नियंत्रण कर पाएगा अपने थॉट का और अपने संज्ञान में को भी विकसित करने में मदद करेगा तो प्राइवेट स्पीच बहुत जरूरी है के अकॉर्डिंग फिर आती है साइलेंट इनर स्पीच साइलेंट इनर स्पीच यानी मौन वाक है ये आफ्टर सिक्स ईयर्स ऐसा नहीं उसके बाद चला जाएगा रहेगा ठीक या अराउंड सिक्स ईयर्स यानी अब जो आपकी स्पीच थी वो इंटरनलाइज कर लिया आपने अंतर्निहित कर ली भर ली अपने अंदर अब आप मन में ही किसी को बुरा भला अच्छा जो भी कहना हो वो कह देते हैं बाहर बोलने की जरूरत नहीं है मतलब साइलेंट इनर स्पीच अब इसके द्वारा आप सोच सकते हैं अपनी किसी समस्या पे समाधान हाँ, का कुछ सोच सकते हैं कुछ इमेजिन कर सकते हैं तो यहाँ पे जो स्पीच है वो इंटरलाइज हो जाती है जो प्राइवेट स्पीच थी वो अंदर चली गई अब आपको बोल बोल के कुछ काम करने की जरूरत नहीं है जैसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं और बोल बोल के कर रहे हैं अब आप मन में भी कर सकते हैं अब आप मन में भी किताब पढ़ सकते हैं लेकिन प्राइवेट स्पीच वाले बच्चों को कहो मन में पढ़ लो बड़ी मुश्किल होती है आपको भी हुई होगी शुरुआत में ठीक है ना बुलेट वाला भाई साहब यही करिए आप जो चल रहा है उसको फॉलो कीजिए अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए जो क्वेश्चंस हुए हैं उनको देखिए इतना ही करना है कुछ अलग नहीं करना है इतने में हो जाएगा एक्चुअल चक्कर क्या हमें लगता है पेपर से पहले हम कुछ अलग कर जाए अलग नहीं जो काम का है वो करें जाओ बस बात खत्म ठीक है ना हिमानी शर्मा चलिए खैर आते हैं अब ये बात हुई किसकी प्याजे और वाइगॉस्की की तो लैंग्वेज से रिलेटेड थियरीज में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये वाला सेशन देख चुके हैं तो

चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू तो काम का क्या है वो पता लग जाएगा आपको किसके थ्रू लिख के और बोल के ट्रायल एंड एरर शेपिंग ये तो स्किनर कह रहे हैं ट्रायल एंड एरर तो आपके थॉन्डाइक कहेंगे राइटिंग एंड स्पीकिंग नहीं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन यानी बच्चे एनवायरमेंट में अडेप्ट करके तो लैंग्वेज सीख रहे हैं तो अडेप्टेशन की तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है अकोमोडेशन ठीक है ना तो प्याजे यहां भी आ गए तो अडेप्ट करके सीखे चाहे अडेप्ट दे दे ऑप्शन में एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन दे बात एक ही है अब एक व्यक्ति है जिनको लेके बड़ा डर रहता है पूरा माहौल जो है डर से भरा रहता है एक बार मुझे बताना ये शायद दिख नहीं पा रहे होंगे इनका जो एक कलर है ये हमें चेंज करा देना चाहिए था ये नोट्स में भी मैंने आपको दिया हुआ है बट समझने में दिक्कत आई होगी नींद आ रही है, है? पुष्पा पेपर आपका है नींद मुझे नहीं आ रही है आपको कैसे आ रही है, है? सैटरडे संडे पढ़ लो ज्यादा क्योंकि पिछले दो महीने से दो क्या तीन महीने हो गए ऑलमोस्ट पहले नोट्स पे रात और दिन काम चलता है चीजें हो रही हैं आपको मिल गए हैं अभी बाकी दो सब्जेक्ट्स के कल मिल जाएंगे तो जब हम लोग मोटिवेटेड हैं आप क्यों नहीं देखिए अगर हम बात करते हैं अब कोई कहेगा जी आपको पैसे मिलते हैं तो ये इतनी वाहियात बात होगी ढाई हजार वीडियोज हैं ये सेशन ना भी हूं तो कोर्स में आपके साथ डिस्कशन हो चुका है चीजें हो चुकी हैं कोई ऐसा तो है नहीं है ना तो यूट्यूब तो बिना क्या कह रहे हूँ आप मेरी और सभी की यूट्यूब चैनल तो, की बेस्ट

हिंदी में भी लिख देते हैं ठीक अब स्टीफन क्रेशन ने कहा ये अभी भी हैं एक लिंग्विस्ट हैं स्टीफन क्रेशन कह रहे हैं कि जैसे हम फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं जैसा कि Chomsky कह रहे थे ना जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी जैसे आप उसको एक्वायर करते हैं सेम उसी तरह से आप सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं यानी जो दूसरी भाषा है अगर सही एनवायरमेंट मिले ये जो पांच हाइपोथेसिस दी हैं इनका ध्यान रखा जाए तो आप दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं नेचुरली जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज को करते हैं भाई और किसी भी एज में भी कर सकते हैं इनको तो एज का भी कोई पंगा नहीं है तो आप दूसरी भाषा को भी यदि आपको इनपुट रिच एनवायरमेंट मिले यदि आपको ये पांच जो हाइपोथेसिस हैं इनकी उनका पालन किया जाए तो आप दूसरी भाषा को भी नेचुरली एकदम फर्स्ट लैंग्वेज की तरह ही नेटिव लैंग्वेज की तरह ही एक्वायर कर सकते हैं क्लियर है बस समझते हैं क्या कहानी चलेगी देखिएगा बैठे आंखों पे रजनी इतना नुकसान मत करो अपनी आंखों का यार नहीं विदाउट सोसाइटी नहीं होता सुरभि भी डेवलपमेंट प्याजे के अकॉर्डिंग वो जो चार एलिमेंट्स में एलिमेंट्स हैं उनमें सोशल एक्सपीरियंस भी एक फैक्टर है लेकिन उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगॉस्की ने दिया है उस चीज को वो फिजिकल एक्टिविटी की बात ज्यादा कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ या इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात ज्यादा कर रहे हैं ठीक है ना तो फर्स्ट लैंग्वेज की तरह ही आप पहली भाषा की तरह मातृभाषा की तरह ही दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं उसी एक नेचुरल नेचुरल स्टेट में में या वे इसके लिए इन्होंने पांच हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस दी है। क्या होती है परिकल्पनाएं यानी कुछ सिद्धांत या कुछ जिसमें कल्पना हो लेकिन आंख बंद करके वो वाली कल्पना ना हो कि सुनहरे सपने देख रहे हैं दिन में डे ड्रीमिंग नहीं होती हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस में कुछ लॉजिक होता है कुछ एक रीजनिंग होती है किसी बेसिस पे कोई एक प्रिंसिपल पे आधारित होती है कोई बात एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे तो इन्होंने ये परिकल्पनाएं दी कि भाई ये चीजें अगर इनको फॉलो करो या इनको समझा जाए ठीक से तो दूसरी भाषा को भी आप क्या कर सकते हो आसानी से एक्वायर कर सकते हो तो इनकी पांच परिकल्पनाएं हैं फटाफट से समझते हैं एक एक करके और फिर आगे बढ़ जाएंगे फाइव हाइपोथेसिस हैं देखिएगा फर्स्ट है एक्विजिशन लर्निंग यानी जो एक्विजेशन है वो एक सब इसमें कुछ नया नहीं है जो आपने पढ़ा है वही है बस इसको समझना है एक्विजेशन सबकॉन्शियस प्रोसेस है यानी जो एक्वायर करना है लैंग्वेज को वो अवचेतन प्रक्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस है वही लर्निंग एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से आती है जिसमें आप प्रॉपर रूल्स ग्रामर टीचर ये सब चाहिए फॉर्मल एनवायरमेंट चाहिए तो एक्विजेशन और लर्निंग का मतलब क्या हुआ एक्विजेशन नेचुरल है सबकॉन्शियस है वही लर्निंग क्या है एफर्टफुल है फॉर्मल है बस इतनी सी बात है तो बेटर क्या हुआ एक्विजेशन मॉनिटर हाइपोथेसिस एक दूसरी चीज है ये क्या कहती है कि भाई हमारे अंदर ना एक मॉनिटर होता है यानी जब आप एक्वायर करते हैं भाषा को या लर्न करते हैं तो एक मॉनिटर काम करता है तो जब आप एक्वायर कर रहे हैं दूसरी भाषा को तो उसमें जो मॉनिटर है मॉनिटर मतलब जो रेगुलेट करे मॉनिटर समझते हो ना क्लास में मॉनिटर होता है

धारा प्रवाहिता के साथ नहीं बोल पाएंगे बहुत अटक अटक के बोलेंगे क्योंकि आपका दिमाग मॉनिटर पे है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा गलत तो नहीं बोल रही है ना अंडर यूजर्स जो हैं जिनका मॉनिटर बहुत ज्यादा अंडर यूज होता है यानी जिनका जो रेगुलेशन है वो बहुत कम है उसमें एक्यूरेसी एक्यूरेसी सफर करती है accuracy समझ रहे हैं फ्लुएंसी मतलब फ्लुएंटली बोल रहे हैं बिना अटके एक्यूरेसी मतलब गलती कम से कम हो तो जो अटक ही नहीं रहा बिल्कुल जिसका मॉनिटर एकदम अंडर यूज है तो उस केस में तो भाई वो फिर गड़बड़ कर जाएगा गलत कुछ लोग देखे होंगे आपने वो गलत बोलते जाते हैं बस फ्लू में बोल रहे हैं गलत भी बोल रहे हैं बट बोल रहे हैं तो बिना अटके और अगर आप अंडर यूजर हैं मॉनिटर के आपका रेगुलेशन इतना वीक है कि आपका ध्यान ही नहीं है नियमों पे या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं तो सटीकता आपकी सफर कर जाती है एक्यूरेसी सफर कर जाती है ये नोट्स खोल के बैठ जाना जिनके पास नोट्स हो ये मैंने दिया हुआ है नोट्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं जो बोल रही हूँ उसको आप देखते जाओगे तो ठीक है ना पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए क्वेश्चन मिक्स कराए हैं बहुत बढ़िया साधना ऑप्टिमल यूज होना चाहिए इसका यानी बैलेंस्ड भाई एक्सट्रीम में तो हमें जाना ही नहीं है ना जीवन में भी कोशिश करनी है एक्सट्रीम में नहीं जाना बट कुछ कुछ चीजें बिना एक्सट्रीम के बाज नहीं आते हम लोग जैसे कि प्यार तो ऑप्टिमल यूजर्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमल यूजर्स वो हैं जो बैलेंस में रखते हैं दोनों को मतलब किस चीज को वो ओवर यूजर भी नहीं है इस मॉनिटर के बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड भी नहीं है बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं है हर टाइम रूल को लेके बट थोड़ा ध्यान में रखते हैं रूल का तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे जो ऑप्टिमल यूजर्स हैं इस मॉनिटर हाइपोथेसिस का जो ऑप्टिमल यूज कर रहे हैं तो ठीक थर्ड है

तो इनपुट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार आया है जब भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हड्डियां है <laughs> निकली हुई थी तो अगर हम इनपुट हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं तो इनपुट होते हैं यहाँ पे कि टीचर आपको इनपुट देता है कि बेटा ये गलत है इसको सही कर लो या ये सही है इसको और सही कर लो तो इनपुट्स मतलब जहां आपको एक्सटर्नल इनपुट्स बाहर से मिल रहे हैं क्यूज मिल रहे हैं ठीक तो ओनली एक्विजिशन कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट 1 प्लस होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ आपको इनपुट्स वैसे देने हैं गिव इनपुट्स व्हिच आर जस्ट बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ अ लर्नर यानी प्लस 1 वाले प्लस माइनस 1 प्लस 1 वाले यानी आज आपको बताया कि इस लेवल तक का आपको आता है है ना तो इससे नीचे भी आपका टीचर आपको हिंट ना दे और इससे जस्ट या कोई भी टास्क अगर दिया जा रहा है तो या इनपुट दिया जा रहा है अगर नीचे देगा तो उसका कोई फायदा नहीं है उतना तो आपको आता ही है और बहुत ज्यादा हाई दे देगा तो भी दिमाग के ऊपर से टप्पा खा के निकल जाएगा तो जस्ट हल्का सा ऊपर हल्का सा चैलेंजिंग रखना है आपको किसी चीज को है ना तो इनपुट जस्ट प्लस रहना चाहिए बच्चे करंट लेवल से हल्का सा ऊपर रहना चाहिए ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है हाँ देखो सिर्फ आप अगर ये चार सेशंस ज्वाइन कर पा रहे हो इतना तो आपको ध्यान रख ही लेना चाहिए एक मिनट रुकना यस yes. चलिए आगे बढ़ते हैं लोगों को क्रिसमस पार्टी पता करनी है हमें तो यही पता है कि सैटरडे को भी पढ़ाना है संडे को भी कहाँ हो रही है दिल्ली में देखिएगा ओनली एक्विजिशन कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट यानी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जस्ट प्लस वन होना चाहिए क्या होना चाहिए प्लस वन होना चाहिए ठीक है पढ़ लो ये चार पांच क्लास ले लोगे पेपर निकल जाएगा टेंशन फ्री हो जाओगे अगली बार के लिए देखो हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़ के बैठे हैं है ना है दिसंबर में लोग गोवा जाते हैं हम बचपन से प्लान बना रहे हैं आज तक नहीं जा पाए हैं देखिएगा अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस यानी फिफ्थ फिफ्थ है 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 ये क्या है? फिफ्थ है। अगर हम बात करें ये कहता है अफेक्टिव का मतलब है, आपको याद कीजिए वो ब्लूम टेक्सोनॉमी अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशंस से किससे इमोशंस से इमोशंस से ठीक संवेगों से अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस क्या कहती है इमोशंस से जुड़ी हुई है मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एंक्स हो जाएंगे मान लीजिए इंग्लिश बोलते हुए या कोई भी भाषा जो आप अभी एक्वायर कर रहे हैं नेचुरली सीख रहे हैं धीरे धीरे तो अगर एंक्शियस हो गए अफेक्टिव फिल्टर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो क्या होगा बोल नहीं पाओगे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओगे तो अफेक्टिव फिल्टर की जगह क्या होना चाहिए इमोशंस कैसे होने चाहिए मोटिवेशन वाले तो अफेक्टिव फिल्टर से जुड़ी हुई है मोटिवेशन एंग्जाइटी भी इसी से जुड़ी हुई है तो एंशियस नहीं होना मोटिवेटेड रहना है कोई कह रहा है अभी भी हड्डियां निकली हुई है मैडम सही है तो इतनी बात क्लियर है कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में ठीक है ना तो अफेक्टिव फिल्टर इमोशन से जुड़ा हुआ है मॉनिटर जो था वो कंट्रोल से जुड़ा हुआ है कि क्या गलत और क्या सही इनपुट में आप एक लेवल ऊपर इनपुट देते हैं और बाकी तो नेचुरल ये है कि एक्वायर करना बेहतर होता है नेचुरल ऑर्डर में सीखना चाहिए जैसे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग है ये सब ओवर यूज नहीं करना है मिनिमली यूज करना है ऑप्टिमली यूज करना है ये सारी बातें तो ये थी आपकी हाइपोथिस एक बार नोट्स उठा के पढ़ लेना आ जाएगा समझ अब आती है लैंग्वेज स्किल्स इनसे भी क्वेश्चन आता ही है ये बात आपको बहुत ही अच्छे से पता है ठीक है या नहीं क्लियर है बात सही है चलिए कल नहीं आज ही पढ़ेंगे एक वीडियो में खत्म हो गए देखिएगा फटाफट से अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की तो भाषा के चार मुख्य कौशल हैं चार मुख्य कौशल हैं अगर हम देखें फोर लैंग्वेज स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं एल एस आर डब्ल्यू कहते हैं ठीक यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना इन्हीं चार स्किल्स के थ्रू आप लैंग्वेज सीखते हैं और भी कोई पांचवी है क्या नहीं तो लिसनिंग यानी सुनते हैं आप भाषा को जब सुनते हैं बहुत ज्यादा सुनते हैं आसपास एनवायरमेंट में तो बोलना भी शुरू कर देते हैं जब आप पढ़ते हैं तो आप लिखना भी शुरू कर देते हैं ठीक तो जो लिसनिंग है और जो रीडिंग है इसके थ्रू आप भाषा को ग्रहण कर रहे हैं तो ये क्या हो गए रिसेप्टिव या पैसिव स्किल्स भी कह देते हैं रिसेप्टिव स्किल्स है यानी इसमें आप रिसीव कर रहे हैं रिसेप्टिव है या पैसिव है यानी आप रिसीव करते हैं भाषा को किसमें जब आप सुन रहे हैं मान लीजिए भाई आप सुन रहे हैं मुझे तो रिसीव कर रहे हैं आप लैंग्वेज को आप भाषा को ग्रहण कर रहे हैं रीडिंग में भी आप ग्रहण कर रहे हैं मान लीजिए आप पेपर उठा के ये पढ़ने में लगे हुए हैं तो क्या होगा आप ग्रहण कर रहे हैं लैंग्वेज को रिसीव कर रहे हैं सुन करके और पढ़ करके वही स्पीकिंग यानी जैसे मैं अभी बोल रही हूं और लिख रही हूं तो ये एक्टिव स्किल्स का प्रयोग मैं यहां कर पा रही हूं एक्टिव स्किल्स स्किल्स या एक्सप्रेसिव भी बोल देते हैं इनको है ना क्योंकि अभी अभिव्यक्तात्मक कौशल है आप अभिव्यक्त कर रहे हैं यहां पे अपनी बात को एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं ठीक है तो एल एस आर डब्ल्यू की जब हम बात करते हैं तो ये अगर एक सीक्वेंस में हो तो ज्यादा बेहतर है यानी कहा जाता है कि एक तो ये इंटर रिलेटेड है सारे ऐसा नहीं है कि लिसनिंग जब आप कर रहे हैं जब आप सुन रहे हैं किसी को तो आप मन में कुछ बोल भी रहे हैं या आप सुन जब आप बोल रहे हैं तो सोच भी रहे हैं ठीक तो हम ये कह सकते हैं कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एक तो इंटर रिलेटेड है दूसरा सीक्वेंस में हो तो बेहतर एक जो नेचुरल सीक्वेंस है वो एल का ही है बट सिर्फ सीक्वेंस में ही होते हैं ये गलत है क्योंकि कुछ लोग हैं जो सीक्वेंस की बात नहीं करते तो हम ये कहेंगे सीक्वेंस में होने चाहिए होते हैं बट सीक्वेंस में ही होते हैं वो बात गलत है तो लिसनिंग और रीडिंग आपकी रिसेप्टिव स्किल्स 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 हो गए, हो गई गई पैसिव एक्टिव एक्सप्रेसिव जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर कर रहे हैं कर रहे हैं हैं या प्रोड्यूस लैंग्वेज को प्रोडक्टिव स्किल्स भी बोल देते हैं तो ये कौन सी हो जाएंगी स्पीकिंग और राइटिंग क्योंकि आप भाषा को जनरेट कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं जब मैं बोल रही हूं जब मैं लिख रही हूं तो मैं प्रोड्यूस कर रही हूं लैंग्वेज को ठीक है इतनी बात तो ये एक बेसिक सी बात हो गई और जो प्राइमरी स्किल्स कहा जाता है वो आपका बोलना और सुनना को कहा जाता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इंटेंसिव रीडिंग होती है कि आप बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं क्लासरूम में जनरली ये होता है ठीक और क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं मतलब आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं अगर देखा जाए तो सीरियसनेस यहाँ पे ज्यादा होती है क्लासरूम में ये पॉसिबल है कई बार क्लास के बाहर भी बट क्लासरूम में तो होती ही है कि भाई सीरियसली पढ़ रहे हो आप किस चैप्टर को कोई मीनिंग जानना चाह रहे हो बाद में क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं उस क्वेश्चन उस पैसेज के या उस चैप्टर के एक्सटेंसिव थोड़ी मजे मस्ती के लिए होती है प्लेजर के लिए या एंजॉयमेंट के लिए होती है आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं है ना आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं ऐसे मजे मजे के लिए तो ये एक्सटेंसिव है क्या है एक्सटेंसिव है क्लियर है हाँ ऑनलाइन क्लास पूरी तरह से इंटेंसिव हुई होगी अभी बिल्कुल कह सकते हैं इंटेंसिव है ठीक तो क्लासरूम में इंटेंसिव या गहन अध्ययन एक्सटेंसिव में आप अगर आपको देख रहे हो अभी कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने डाले चिंता मत करो अब साइट वर्ड्स ये कुछ कुछ अब एक्स्ट्रा वोकैबुलर ये मिसलेनियस टॉपिक्स आपके शुरू हो जाएंगे जो चीजें डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है बट आपके काम की है साइट वर्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो साइट वर्ड्स कौन से हैं साइट मतलब सी से बनाए साइट देखना है ना एक नजर में भी है ना प्यार होता होगा बट इकरार नहीं होता ठीक है थीके? तो साइट वर्ड्स क्या है साइट वर्ड्स मतलब एक नजर में देख के पहचान जाते हैं आप इनको ठीक <laughs> एक, 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 एक दिया जाता है है छोड़िए बहुत साइट वर्ड्स वर्ड्स आर दी दैट अपीयर मोस्ट इन आर रीडिंग एंड राइटिंग दूर से देख के पहचान जाते हैं आप ठीक जैसे बट लिखा होगा तो पहचान ही लोगे ना दिमाग थोड़ी लगाना पड़ेगा है ना दूर से देख के पहचान जाते हैं साइट वर्ड्स मतलब जो बहुत फ्रीक्वेंटली आपके यूज़ लैंग्वेज में इससे एक और चीज मुझे याद आ रही है एक्टिव और पैसिव भी पूछ लिया जाता है एक्टिव और पैसिव तो यानी शब्द भंडार ये भी दो प्रकार की है एक है एक्टिव वोकैब और दूसरी है पैसिव वोकैब ठीक तो एक्टिव वोकैब की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्टिव मतलब जो वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं आपके वो वर्ड्स या वो वोकैब या वो शब्द जो फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हैं भाई कुछ ही शब्द होते हैं ना जिनको आप बार बार यूज करते हैं लैंग्वेज में ठीक है ना लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब तो आपको पता है आपने लिटरेचर में पढ़े हैं या कहीं ना कहीं पढ़े हैं बट बहुत रेयरली कभी यूज में आते हैं या यूज में आते ही नहीं है रेयरली यूज होते हैं तो इनको पैसे वोकेबलरी कहेंगे इस चीज को कि पैसे वोकैब क्या है जिसका मतलब तो आपको पता है आपने पढ़ा तो है कहीं ना कहीं या है, जानते हैं आप बट यूज में नहीं आती है ना और जबकि हम एक्टिव वोकैब की बात करें तो ये कुछ शब्द हैं जो बार बार यूज में आते रहते हैं तो एक्टिव वोकैब जिनको बच्चा डेली यूज में जिनको हम यूज करते हैं तो साइट वर्ड एक्टिव का ही पार्ट होंगे यानी जिनको एक नजर में एक साइट साइट में लव एट फर्स्ट देख करके पहचान लेंगे हम तो वो साइट वर्ड कहलाएंगे ठीक बट हो सकता है दैट एग्जाम्पल हो सकता है ऑनेस्ट ही दो दैट ये सारे वर्ड मतलब जिन शब्दों को आप एक नजर में पहचान लेते हैं वो साइट वर्ड है सिंपल बात सिंपल भी अपने आप में साइट वर्ड है ठीक अब आते हैं स्कैनिंग पे भी एक क्वेश्चन आता है और स्किमिंग पे भी एक क्वेश्चन आता है ये रीडिंग की ही टेक्निक्स हैं अगर हम देखें स्कैनिंग की बात करें जब हम हाँ किसी का तो कोई डाउट है देख लो जरा सिंगल लोग बोल रहे हैं यहां प्यार व्यार सब मोह माया है छुपकली में एक हाँ, क्रिश क्रिश में एक छुपकली थी जिसका नाम क्या है वाह 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 वा, वा, इतने पीजे किंग और क्वीन हो गए आप लोग आजकल अच्छे तो जो जोग मार ले करो ये प्रभावित क्यों हो रो इतने मेरे से <laughs> है ना हां देखो यही बात है ना मैंने अभी आपको बताई कि आप कह रहे हैं कि एक डाउट है कि लैंग्वेज स्किल्स एल एस आर डब्ल्यू उनको सीक्वेंस में या नहीं या हम इनको स्किप और कर सकते हैं कर सकते हैं बट सीखना चाहिए सीक्वेंस में इंटर रिलेटेड है सीक्वेंस में सीखी जाती है दे आर लर्न इन अ सीक्वेंस बेस्ट लर्न इन अ सीक्वेंस बट सीक्वेंस में ही सीखी जाती है स्किप की ही नहीं जा सकती ये कहना गलत होगा ठीक है ना स्कैनिंग की बात कर लेते हैं स्कैनर समझ रहे हो वो कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन आती थी थी आजकल दूसरी आ गई गई है है वो शायद तो तो बंद हो है तो अगर हम बात करें स्कैनिंग मतलब आप इस एक फोन को लेकर के जो भी टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है उसको स्कैन करके पेपर को जवाब देके आते हैं और भेज देते हैं कि भाई अब बता देना कि कितने सही हुए तो स्कैन मतलब वो एक एक वर्ड को स्कैन करेगा जो जो काम काज सब स्कैन कर लेगा ठीक तो अगर हम बात करें स्कैनिंग में तो स्कैनिंग जो है कंपैरेटिवली स्लो होती है वैसे तो ये दोनों ही फास्ट रीडिंग में आती हैं तेजी से ही होती हैं स्कैनिंग स्कैनिंग और स्किमिंग तो क्या है इंफॉर्मेशन को ढूंढना जब आप डिक्शनरी लेकर के कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहे हैं या सर्च भी कर रहे हैं तो आप स्कैनिंग का यूज कर रहे हैं आपने एक न्यूज उठाया कोई एक पर्टिकुलर न्यूज ढूंढ रहे हैं कि आज ये वाली न्यूज आई होगी मेरा नाम आया है न्यूज में मैंने बहुत तगड़े काम कर दिए खतरनाक या बहुत अच्छे दोनों में से एक एक्सट्रीम किया होगा तो ये क्या आप स्कैन कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर चीज ठीक अगर हम बात करते हैं टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली समलीटिल यू फाइंड वॉट यू आर लुकिंग फॉर यानी आप बहुत तेजी से पूरा टेक्स्ट देखते जा रहे हैं क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर चाहिए जब आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो आप ए नाम के लेटर पे गए लेकिन आप वो वर्ड ढूंढेंगे फटाफट फटाफट -फटा स्किप करते जाएंगे जब तक आप जिस वर्ड को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिल जाता तो आप स्पेसिफिक वर्ड की तलाश में रहते हैं इसमें स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली रैपिडली तो दोनों ही है बट रेपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट आपको कोई विशिष्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे ही आप लिस्ट में अपना नाम देख रहे हैं फटाफट से पूरी लिस्ट देख जाएंगे जस्ट आपको अपना नाम मिलते ही रुक जाएंगे है ना तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का ट्रे हो गया आप डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं कोई वर्ड तो स्पेसिफिक फैक्ट या आप मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ाया टीचर ने और आप या जब आप पैसेज सॉल्व करते हैं सीटेट में जब आप पैसे सॉल्व करते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन का कोई वर्ड है कोई टर्म है उसको इस पैसेज में ढूंढ रहे हैं तो आप स्कैनिंग का प्रयोग कर रहे हैं ठीक है ना कि गांधी जी कहां लिखा है तो फटाफट से देखेंगे स्कैन करेंगे पूरा पढ़ के थ्री इडियट्स याद कीजिए सबको याद है ऑल इज वेल अभी तो कई लोगों की धड़कने रुकी हुई है पेपर है तीन दिन बाद चार दिन बाद है ना थ्री इडियट्स सबको याद है ठीक तो देखी भी होगी ऑल इज वेल तो इसमें आपको पता है वो इन ये जो तीनों महानुभाव हैं इनका कुछ तो रिजल्ट आता है तो अब इसमें सब बच्चे दौड़ के जा रहे हैं क्या कर रहे होंगे स्कैन कर रहे होंगे कि कि मेरा नाम है कि नहीं है है नहीं लिस्ट लगी हुई बहुत सारे नाम होंगे बट अपना अपना नाम स्कैन करने में लगे हुए हैं फटाफट से रैपिडली पढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या है इनका अपना नाम ठीक तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर रहे होंगे स्कैन कर रहे होंगे ठीक अगर हम बात कर रहे हैं यहां तो ये देखते हैं बाद में फिर देखते हैं कि यार हम दोनों का नाम तो है हम तो सेकंड लास्ट पे है और तू सेकंड लास्ट पे है मैं फर्स्ट मतलब एकदम लास्ट में है मेरा नाम बट तो हमारा जो दोस्त है तीसरा उसका नाम नहीं है फुनसुख वांगडू था क्या था आमिर खान बेसिकली तो फिर वो फर्स्ट आ जाता है फिर बाद में वो बेचारा ज्यादा दुखी होता है तो वो स्कैन कर रहे हैं और वो स्कैन भी स्पेसिफिक जगह पे कर रहे हैं उनको पता है फर्स्ट पे तो कहाँ ही आना है हमारा नाम तो वो लिस्ट तो पूरी देखनी पड़ेगी लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे आप रुक जाते हैं फिर पता चलता है कि भाई कि अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है फिर ऐसे वाली शक्ल आ जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के बाद ठीक खैर अब आते हैं स्किमिंग पे स्किमिंग क्या है जस्ट के लिए पढ़ना समरी के लिए पढ़ना कोई मूवी देखी दो घंटे की बीस मिनट में बता दिया किसी दोस्त को जस्ट है ये उसका सारांश बता दिया समरी बता दी तो इसमें भी पढ़ते तो आप लगभग तेज ही हैं बट थोड़ा सा समराइज करने के लिए या जस्ट एक सारांश पता लग जाए जब आप पैसेज पढ़ के उसका सारांश बता रहे हैं कि किस बारे में है या जब आप एक टाइटल देते हैं एक पैसेज पढ़ के तो वो आप स्किमिंग करके देते हैं कि ये इस बारे में है इसको हम एक टाइटल दे रहे हैं स्किमिंग इज रीडिंग रैपिडली अगेन ये भी रैपिडली ही होता है इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू एक जिस्ट आपको चाहिए होता है एक जनरल सामान्य ओवरव्यू चाहिए उस मटेरियल में से उस मूवी में से उस स्टोरी का जस्ट आपको बताना है जब आप एक किताब उठाते हैं एक बुक स्टोर पे तो आप फटाफट से देखते हैं किस बारे में है अच्छा 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 ठीक है अब आपको जस्ट मिल गया लेना है तो ठीक है नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं तो ये एक बात हुई जैसे आप न्यूज देखते हैं और आप ओवरऑल ये देखना चाह रहे हैं आप कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं कि मेरा नाम आया है कि नहीं अगर आप मेरा नाम ढूंढ रहे हैं या किसी स्पेसिफिक न्यूज को ढूंढ रहे हैं तो आप स्कैनिंग कर रहे हैं लेकिन आप न्यूज़पेपर इन जनरल उठा करके बस देख रहे हैं कि मेन मेन न्यूज क्या है आज की तो आप स्कैनिंग की जगह स्केमिंग कर रहे हैं ठीक आप जस्ट ले रहे हैं कि पेपर में आजकल आया क्या है या न्यूज आजकल चल क्या रही है ऐसी मैगजीन में होता है आप ओवरऑल देख रहे हैं अब एक चीज है कॉन्ट्रास्टिव पेयर कॉन्ट्रास्ट का मतलब ही होता है जैसे व्हाइट शर्ट पहनी हो ब्लैक वेंट पहन ली क्या है कंट्रास्टिंग है ना लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बना लिया तो कंट्रास्टिंग पेयर की जब हम मान रहे हैं तो अ कंट्रास्टेड पेयर ऑफ वर्ड्स इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर दी सेम एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रास्टिंग लेटर यानी ये जो वर्ड है लगभग सेम होगा बस एक लेटर का अंतर होगा किसका अंतर होगा एक लेटर का अंतर होगा ठीक है ना तो हां अगर आप मूवी देख रहे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तो आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए स्कैन कर रहे हैं आप भाग के जा रहे हैं वही वाले साउंड चेंज तो हो गई तो ये कॉन्ट्रास्टिंग लेटर क्या है कॉन्ट्रास्टिव पेयर वो होते हैं जिनमें एक लेटर के अंतर की वजह से मीनिंग चेंज हो जाएगा वर्ड चेंज हो जाएगा टीम और डीम सिर्फ एक लेटर चेंज हुआ है कॉपी और एम्पल तो नहीं है ठीक तो ये क्या हुआ सिर्फ क्लियर है आगे बढ़ेंगे जिनमें एक लेटर का अंतर होगा सीधा -सीधा आपके सामने इनको मिनिमल पेयर्स भी कहते हैं मिनिमल पेयर्स बोले तो कॉन्ट्रास्टिव पेयर या मिनिमल पेयर्स आर यूज फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ किस तरह की भाई प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज होते हैं इसके लिए उच्चारण के लिए भाई आपको मान लीजिए टीम बोलना आता है अब आपको टीचर डीम बोलना भी सिखा रहे हैं तो हल्का सा अंतर है लेकिन उच्चारण आप सीख जाएंगे कि उच्चारण में कैसे हल्का सा परिवर्तन लाना है तो ये प्रोनाउंसिएशन को सिखाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं कौन कॉन्ट्रास्ट ऑफ पेयर या मिनिमल पेयर्स अब साउंड की बात करते हैं इस इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली अच्छा एक और चीज मुझे याद आ रही है यहाँ पे लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं एक क्योंकि एक एक नंबर की छोटी छोटी चीजें हैं लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं याद आ रहे हैं किसी को या लेक्सिकल आइटम्स भी कह देते हैं मतलब इनको कॉन्टेंट वर्ड्स भी कहा जाता है कॉन्टेंट वर्ड्स भी कह देते हैं ये क्या है बेसिकली इनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है डिक्शनरी में स्वतंत्र अपना कोई मीनिंग होगा जैसे वाटर है तो इसका अपना एक मीनिंग है यानी कोई अर्थ होगा ठीक तो अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग वाले जो वर्ड्स है मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं लेक्सिकल वर्ड्स जिनका अपने आप में कोई एक स्वतंत्र अर्थ होता है जैसे टीचर ही हो सकता है है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना बिल्कुल बहुत बढ़िया है दिमाग से क्लियर दिमाग में क्लियर अट्ठाईस को है यू आई क्यू टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है तनु ये सब तो कराया हुआ है और ये सिर्फ नोट्स वाला उठा लो और कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगी डोंट वरी चलिए खैर तो ये लेग्जिकल या कॉन्टेंट वर्ड्स की बात हो गई अब बात हो रही है कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितनी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितनी होती है कितनी फोनेटिक साउंड है तो हम ये कहते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ साउंड्स हैं वो है फोर्टी फोर तो जो फोनिम्स है या साउंड्स हैं अगर हम कहें ध्वनिया हैं अंग्रेजी में वो चवालीस हैं. अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम देखेंगे डी समझते हो ना लेटर्स अल्फाबेट ए टू जी तो ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हैं जिनसे साउंड बनी है फोर्टी फोर कितनी फोर्टी फोर पांच वॉल्स होते वॉल्स होते हैं पहले हमारे बचपन में तो टीचर पढ़ाते थे, बट अभी जो है, अ, again, a आप बिना किसी की सहायता से बोल सकते हो ये वो वही जो आपका स्वर और व्यंजन हम पढ़ते थे तो बाउल्स की अगर हम बात करें पांच वाउल्स हैं जिनसे साउंड बनती है चार गुना यानी ट्वेंटी साउंड प्रोड्यूस करते हैं फाइव वाउल्स क्लियर है इतनी बाउल बात वही कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें व्यंजन की हम बात करें तो ट्वेंटी वन कॉन्सोनेट है वही ट्वेंटी सिक्स लेटर है टोटल छब्बीस है जिसमें से पांच तो वाउल हो गए और इक्कीस आपके कॉन्सोनेंट बचे तो ये जो व्यंजन है इनसे साउंड प्रोड्यूस होती है ट्वेंटी फोर टोटल साउंड कितनी हो गई फोर्टी फोर ठीक है ना फोर्टी फोर साउंड ट्वेंटी साउंड है वाउल साउंड और कॉन्सोनेट साउंड है ट्वेंटी फोर साउंड पांच वाउल होते हैं जो बीस साउंड निकालते हैं चार गुना और इक्कीस कॉन्सोडेंट है जिनकी चौबीस ही साउंड निकल पाती है ना तो कई बार बट वो सब आपके सिलेबस के काम का नहीं है ठीक है ना क्लियर है हाँ एक्सटेंसिव में चला जाता है इसके में। तो ये एक बेसिक बात हो गई आगे बढ़े ये भी एक क्वेश्चन है जो आ जाता है अब एक चीज होती है डिफ्थोंग्स डिफ्थोंग्स यानी डबल वाउल यानी जिसमें दो स्वरों की ध्वनि हो डबल वाउल साउंड्स यहां पे देख पा रहे हैं अ साउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाउल्स यानी दो स्वरों के कॉम्बिनेशन से योग से जो साउंड बनती है एक सिंगल सिलेबल में सिंगल सिलेबल समझ रहे हैं ना जिसमें एक स्वर का यूज करके एक साउंड बनाई जा रही है एक व्यंजन होगा ठीक इन विच द साउंड बिगिन एज वन वाउल एंड मूव टूअर्ड अन यानी कॉइन ये क्या है ओ आई एक से शुरू हो रही है दूसरे पे जा रही है लाउड साइड ऑयल टर्मोइल ये सब क्या है ये आपके डिफ्थोंग्स हैं डबल वावल साउंड दो वॉल वाउल साउंड आती है डिफ्थोंग्स इसीलिए बोल रहे हैं डबल वाउल साउंड आएंगी यानी दो वाउल एक साथ आ रहे होंगे साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे एक छोटी सी चीज है आर्टिकुलेटर्स इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे आप पूरी शिद्दत के साथ टिके हुए हैं नहीं एडमिट कार्ड नहीं आएगा डेजी उनको बोलो सीबीएसई जाए और समस्या बताएं उनको अपनी मेल yeah, डालें दोनों ही काम कर दें तो अच्छा है आर्टिकुलेटर्स आर्टिकुलेटर्स बेसिकली वो ऑर्गन्स हैं वोकल ऑर्गन्स हैं जिनकी सहायता से हम स्पीच को या साउंड्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं जैसे मैं भी बोल पा रही हूं तो ये वोकल कॉर्ड्स मेरी काम कर रही हैं अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बोलने में दिक्कत हो जाती है टीचर्स के साथ ऐसा होता है कई बार जब लॉन्ग रन में आप बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने की आदत हो जाती है तो आवाज की समस्याएं बन जाती हैं तो अगर हम कहें आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन्स हैं वो वोकल ऑर्गन्स हैं जो जो स्पीच साउंड है उसको प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं कौन से हो सकते हैं आपकी आपकी टंग हो 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 सकती है आपकी vocal हो है वोकल सकते हैं आपका ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कह रहे हैं वोकल कोड्स हो ही गई पैलेट है आपकी नेजल कैविटी है इवन वो भी आपकी साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करती है तो बेसिकली आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन हैं जो साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं सिंपल भाषा में एक लाइन में होमोग्राफ होमोनियम ये सब आपने

हमें पता है ना जो हमारा डिस्ग्राफिया है मतलब लिखने में गड़बड़ हुई है तो होमोग्राफ का मतलब लिखे तो सेम जाएंगे मीनिंग अलग होगा तो लीड और लेड लिखे तो सेम गए स्पेलिंग सेम है ग्राफ का मतलब लिखना तो सेम ही है होमो का मतलब सेम सेम तो तो लिखे तो गए लीड और लेड बट एक लेड क्या है मेटल हो सकती है वो जो आपकी पेंसिल में होता है ना और अगर हम बात कर रहे हैं लीड की तो ये नेतृत्व हो सकता है जो लीडरशिप वाला लीड होता है वो हो सकता है ठीक है ना तो ऐसे और भी वर्ड्स आपको सैकड़ों मिल जाएंगे जो लिखे तो सेम जाते हैं बट प्रोनाउंसिएशन अलग होता है कई बार सेम भी हो जाता है ठीक है ना क्लियर है चलिए तो होमोग्राफ मतलब लिखे सेम जाएंगे मीनिंग डिफरेंट होगा तो लीड और लेड स्पेलिंग सेम है सेम लिखे गए बट मीनिंग डिफरेंट है तो ये होमोग्राफ का उदाहरण हुए होमोफोन फोन का मतलब साउंड यानी जिनकी साउंड सेम हो स्पेलिंग अलग हो सकती है साउंड में सेम होना होमो का मतलब सेम साउंड ठीक जैसे टू और टू यानी साउंड तो सेम है बट स्पेलिंग अलग है मीनिंग अलग है टी डब्ल्यू टू दो हो गए टू मतलब भी हो गया सिंपल बात है ठीक है यानी साउंड तो सेम है बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है स्पेलिंग भी क्या है डिफरेंट है क्लियर बात है पायल रही है, मेरा नाम नाम लीजिए में क्या रखा है पायल अभी तो फोकस कर लो पढ़ने पे तो होमो फोन क्या है word, लोग होमोनिम मतलब होमोनिम एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग भी सेम है प्रोनंसिएशन भी एकदम सेम है ना सूट, 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 सूट स्पेलिंग सेम ही है लेकिन मीनिंग अलग है बोला भी सेम ही जा रहा है अभी एक वो आपका भारतीय परंपरा वाला सूट हो सकता है सूट सलवार वाला सूट और दूसरा सूट क्या हो सकता है बहुत पहले आया था, कॉलेज पे। तो अगर हम देखेंट कर लेते हैं उसको तो सूट एक सूट है पहनने वाला सूट दूसरा है एप्ट लग रहा है भैया ठीक लग रहा है अच्छा लग रहा है मीनिंग अलग है बोला सेम जा रहा है एक एप्ट यानी अच्छा लग रहा है भैया सुंदर लग रहे हो और दूसरा सूट है जो आपकी ड्रेस है ठीक है ना तो ये क्या हुआ ये होमोनिम का उदाहरण हो गया समझे कि नहीं समझे समझ गए तो होमोनिम इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग यानी मीनिंग यहां अलग होता है मीनिंग कहीं भी सेम नहीं है अगर आप देखेंगे होमोग्राफ में भी मीनिंग सेम नहीं है होमोफोन में भी मीनिंग सेम नहीं है होमोनिम में भी मीनिंग सेम नहीं है तो होमोनिम का ही उदाहरण होते हैं कई बार होमोफोन भाई अगर कोई साउंड से मारे तो वो होमोनिम भी है और होमोफोन भी है अगर लिखा सेम जा रहा है तो वो होमोग्राफ भी है वो होमोनिम का ही हिस्सा हो गया तो होमोनिम अपने आप में यहां ज्यादा कंप्लीट है जिसमें बाकी भी अगर देखें तो कुछ हद तक कनेक्ट हो जाते हैं अब कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन है आपके सामने अच्छा अभी तो और भी चीजें हैं जो मुझे करानी है अभी कहाँ फटाफट से समझते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ देखिएगा जवाब दीजिए क्वेश्चन का क्वेश्चन थोड़े कम कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है या चलने वे कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है अभी तो दो ही घंटे हुए हैं डोंट डेट तो आ ही गए भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो थैंक यू साधना मुस्कान चले आगे अब तो पानी भी खत्म हो गया आधे घंटे में रैप अप कर देंगे सेशन क्योंकि अब बेसिक बेसिक ही बातें बची हैं बहुत भारी भारी बातें हम कर चुके हैं बट नंबर अभी भी क्योंकि एक एक टर्म से नंबर आता है जो हम कर रहे हैं ना हलवा बातें नहीं कर रहे हैं काम की चीजें कर रहे हैं फोन में भी अब तो बैटरी बची नहीं है चले बड़े आगे चलिए समझेंगे अगर हम बात करें वक्त बदला कई दौर गुजरे मगर आप आज भी, भी बेस्ट टीचर हैं घनश्या करें हाँ लोग तो आते जाते रहते हैं यार देखो है ना यही इंटेंसिव मोटिवेशन का कमाल है कि आप बने रहते हैं वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोग्राफ फॉलोइंग इज अ होमोग्राफ मतलब जो लिखे सेम गए हो सबसे पहली शर्त क्या है लिखे सेम गए हो मीनिंग सेम हो नहीं हो हमें मतलब नहीं है लीड लेड यानी मेटल लीड मतलब गिव डायरेक्शन किसी को डायरेक्शन देना या नेतृत्व करना लीड गिव डायरेक्शन और डेड मॉटल तो ये तो लीड और डेड तो अलग हो गया लेड और डेड तो अलग हो गए मेल और मेल ये लिखे सेम नहीं जा रहे ना ये तो होमोफोन का उदाहरण है उदाहरण है होमोफोन का और ये ये आपका कॉन्ट्रास्टिव पेयर का उदाहरण हो गया अभी पढ़ा था ना लेड और डेड तो मेल क्या है होमो फोन है साउंड तो सेम आ रही है बट स्पेलिंग अलग है एक मेल ईमेल वाला मेल है पोस्ट करने वाला दूसरा मेल जेंडर है ठीक वॉर्म और टैपिड बींग नीदर टू हॉट नॉर कोल्ड अब ये तो अपने आप में ही अलग ही हो गया ये तो हिट्रो ही हो गया तो ये की उत्तर सही है लेड और लीड यानी डायरेक्शन देना और मेटल की बात हो रही है किसका उदाहरण है होमोग्राफ का उदाहरण है ठीक क्योंकि साउंड सेम नहीं है यहां पे तो होमोफोन तो हो नहीं सकता देखिएगा टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग यानी साउंड भी सेम है सूट को याद कीजिए और स्पेलिंग भी सेम है या एक वर्ड होता है बैट और बैट बैट बोले तो बल्ला क्रिकेट वाला और दूसरा बैठ क्या है चमकादड़ ठीक लिखे भी सेम जा रहे हैं बोले भी सेम जा रहे हैं क्या हो गए हो हो गए ठीक? होमो निम हो गए ठीक ग्राफ तो सिर्फ लिखा सेम जाता है जरूरी नहीं है कि बोला भी सेम जाए पॉली सेम होता है मल्टीपल मीनिंग्स जिसके हो है ना होमोफोन जो बोला सेम जाए बट इसका मतलब अलग हो सकता है जिसकी स्पेलिंग भी अलग हो सकती है बट बोला सेम जाता है ठीक तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अब टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस या प्रोसेसेस आपने सुनी होंगी ये पेपर में आता रहता है आया है, आया, है। आ सकता है ठीक है ना ओके हाँ मुस्कान कोई दिक्कत नहीं होगी जनरली बट दोबारा देखिए अगर और टेंशन फ्री होना चाहते हो तो हो जाओ बट दिक्कत नहीं होगी दे सकते हो आप इसके बेसिस पे आगे में जो टॉप करेगा उसको आईफोन गिफ्ट करेंगे अरे पांडा इतने लर्नर्स हैं यार अब तो ये तो छोटी मोटिवेशन हो जाएगी है ना अब तो

सेंटेंस uh, पर आ रहे हैं सेंटेंस से आप मीनिंग पर आ रहे हैं या वर्ड पर आ रहे हैं फिर वर्ड से आप लेटर पर आ रहे हैं ये है टॉप डाउन अप्रोच यानी कंप्लीट जिस्ट से आप नीचे तोड़ते हुए यूनिट्स को ला रहे हैं लैंग्वेज की तो ये हो गई आपकी क्या टॉप टॉप डाउन अप्रोच बॉटम अप क्या है इट मीन्स द यूज ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज जो आपको पहले से पता है आप किस चीज को पढ़ते आ रहे हैं स्टोरी का ओवरऑल जिस ले रहे हैं बैकग्राउंड नॉलेज कैन बी प्रीवियस सिचुएशन और कॉन्टेक्चुअल इसको आप छोड़ दीजिए ये आप इसको सिंपल याद रखिएगा बॉटम अप स्मॉल डिटेल्स से यहां शुरुआत करते हैं बॉटम अप में इसको ऐसे देख लेते हैं ये आपके उसके लिए हो जाएगा पीडीएफ में काम आ जाएगा बॉटम अप बॉटम अप अप्रोच है एक बॉटम अप और ये टॉप डाउन अप्रोच है ठीक है टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप में क्या होता है कि बॉटम अप मतलब स्मॉलेस्ट से बड़े की तरफ जाएंगे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट जो भी छोटा है उससे ठीक तो अगर हम बात करते हैं यहां हम पहले क्या सिखाते हैं बॉटम से आप जाएंगे बॉटम क्या हो सकता है लेटर एच ठीक अब इससे हम क्या गए वर्ड पर गए Word बनवाया हमने वर्ड से हम किस पे गए अब हमने वर्ड को जोड़ के सेंटेंस बनाना सीखा अब हम सेंटेंस से किस पे जाएंगे अब हम सेंटेंस से जाएंगे पैराग्राफ पे या क्लॉज पर मान लीजिए पैराग्राफ या पैसेज पे चले गए ठीक अब इस पैराग्राफ या कई सारे पैराग्राफ एक स्टोरी में होते हैं तो ये हो गई बॉटम से अप यानी स्मॉल से शुरू करके आप जैसे जैसे लेवल अप करते जा रहे हैं वही टॉप डाउन की जब हम बात कर रहे हैं तो टॉप डाउन में क्या होगा यहाँ पे टॉप जो भी एक हाईएस्ट लेवल है वहां पे मान लीजिए स्टोरी है स्टोरी से जाएंगे किसकी तरफ पैराग्राफ की तरफ क्योंकि टॉप से डाउन जा रहे हैं ना पैराग्राफ से जाएंगे किसकी तरफ? तरफ, सेंटेंस की तरफ. सेंटेंस की से जाएंगे किसकी तरफ पैसेज तो हो गया सेंटेंस से हम जाएंगे वर्ड मीनिंग पर और वर्ड से जाएंगे हम लेटर पे डी ठीक है ना ये है आपका टॉप से डाउन टॉप से डाउन यहां पे क्या था बॉटम से अप ठीक है तो ये एक बेसिक डिफरेंस है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग क्या होता है बेसिकली जब आप पैराफ्रेजिंग मीन्स फॉर्मुलेटिंग समवन अन आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स अपने ही शब्दों में किसी बात को कहना मान लीजिए आपने एक मूवी देखी अब आप डिट्टो थोड़ा ना उसी की भाषा में बताएंगे किसी दोस्त को बता रहे हैं अपने शब्दों में या आपने कोई कहानी पढ़ी तो अब आपको किसी ने कहा कि भाई इसको पैराफ्रेज करो तो आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं अपना टच दे लिख रहे हैं आपने कुछ पढ़ा और आप ऐसे लिख के आ रहे हैं पेपर में तो आप अपने भाषा में अपने शब्दों का प्रयोग करके सेम आइडिया को लिख रहे हैं आइडिया वही है जस्ट वही निकल के आएगा सार वही है बस आपने अपने शब्दों में कहा है तो ये पैराफ्रेजिंग कहलाता है नोट टेकिंग नोट टेकिंग और नोट मेकिंग दो चीजें हैं ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जब आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं मान लीजिए आप एक डिफरेंट सोर्सेज और प्लेटफॉर्म से है ना आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप नोट टेकिंग मतलब जैसे जस जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को या नोट्स बनाते चल रहे हैं ठीक है नोट टेकिंग में कुछ टिप्स होती हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्लूज को लिखना होता है सारा कुछ नहीं लिखना जैसे मैं बोलती हूँ अभी बैचेस में भी बात होती है कि जो की पॉइंट्स है उनको लिखो सिर्फ नोट्स का मतलब ये थोड़ी पीडीएफ तो मिल ही रहा है फ्रेज वर्ड एब्रिवेटेड फॉर्म्स जैसे हम बना लेते हैं भाई हमको बताया कि प्याजी की चार स्टेजेस होती हैं हमने कहा अच्छा सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल हमने एसपीसीएफ क्या कर दिया फॉर्मुलटेड फॉर्म बना दिए एक तो नोट बना लिया लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक पैटर्न या डायग्रामेटिक कई बार फ्लो चार्ट का प्रयोग कर लेते हैं हम हमके अच्छा ये चार स्टेजेस है नोट्स बना लिए तो नोट टेकिंग नोट मेकिंग मतलब अब आप, आप अकेले लगे हुए हैं या तो अब आप पे कोई जल्दबाजी नहीं है नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग कनेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग आइडियाज फ्रॉम योर लेक्चर रीडिंग अब ये एक तो था ड्यूरिंग लेक्चर जो हम नोट टेकिंग की बात कर रहे थे जब लेक्चर चल रहा हो या कोई चीज कहीं आप बैठे हुए सेमिनार में वहां से जो जो लिख रहे हैं आप नोट मेकिंग अपना समय देखिए अपने तरीके से कुछ नया कनेक्ट करके सिंथेसाइज करके समझ लगा करके तब आप नोट मेकिंग कर रहे हैं अब आप प्रॉपर अपने नोट बना रहे हैं अब लैंग्वेज को पढ़ाने के कुछ मैथड्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट मैथड बहुत फेमस है डायरेक्ट मैथड यानी प्रत्यक्ष विधि हिंदी में भी आ जाता है प्रत्यक्ष विधि यानी एक ऐसा मेथड सिंपली समझेंगे कम समय लगाते हुए ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप देखो एक चीज होती है टारगेट लैंग्वेज डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज से ही भाषा को सीखते हैं यानी मदर टंग का जो यूज है वो वर्जित है इसमें आप यूज नहीं कर सकते मदर टंग को ना कोई बेस नहीं बनाया जाता कोई ब्रिज नहीं बनाया जाता मातृभाषा तो प्रयोग होगा डायरेक्ट का मतलब जिसको आप सीखना चाह रहे हैं ठीक इंग्लिश है स्पेनिश है जो भी भाषा है तो टारगेट लैंग्वेज से ही डायरेक्टली वो भाषा सिखाई जाती है यानी आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए कह रहे हैं हिंदी बोलने में पांच रुपए फाइन ठीक या हिंदी में टीचर बोल ही नहीं रही तो ये भाषा सीखने का वो मेथड है जिसमें डायरेक्ट जिस भाषा को आप सीखने आए उसी से सिखाया जा रहा है मदर टंग का कोई यूज नहीं हो रहा कोई ट्रांसलेशन नहीं कुछ नहीं ठीक तो आप उस एनवायरमेंट में रहेंगे कुछ टाइम अपने आप सीख जाएंगे शुरुआत में दिक्कत होगी ठीक तो ये नेचुरल मेथड भी इसको कहा जाता है क्योंकि नेचुरली आप उसी एनवायरमेंट में सीख रहे हैं ठीक फॉरन लैंग्वेजेस आप इससे सीख सकते हैं इसके अलावा नेटिव लैंग्वेज का यूज यहाँ पे वर्जित है ये हमें ध्यान रखना है ओनली टारगेट लैंग्वेज यानी मदर टंग कह लीजिए या नेटिव लैंग्वेज कह लीजिए बात तो एक ही है ठीक सिर्फ टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज को आप सिखाना चाह रहे हैं उसी का प्रयोग होगा डायरेक्टली तो मदर टंग का प्रयोग इसमें नहीं होता नेचुरल मेथड भी कह देते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक दूसरा मेथड है जिससे हमने सबने ग्रामर पढ़ी है अगर आप यूपी बोर्ड में जाएंगे तो आपको पता है ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं उनको हिंदी में भी लिख दिया होता है कि इतना जोड़ के ऐसे ये बन जाएगा यानी इसमें मातृभाषा का भरपूर प्रयोग होता है टारगेट लैंग्वेज को क्या कर दिया जाता है ट्रांसलेट किया जाता है नेटिव लैंग्वेज में या मदर टंग में

मान लीजिए आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो भी वैसे एट्थ में क्या फिलोसफी सिक्स में पढ़ोगे बट मान लेते हैं मानने में क्या जाता है ठीक तो यानी सारे सब्जेक्ट्स को किसी एक लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है यानी लैंग्वेज टीचिंग को इंटीग्रेट कर दिया और जब आप कोई लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज भी तो सीख रहे हैं और जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तब आप मतलब हिस्ट्री से वो हिस्ट्री की लैंग्वेज है कुछ टर्म्स ऐसे हो सकते हैं जो हिस्ट्री में ही हो लेकिन आप लैंग्वेज भी सीख रहे हैं तो आपने लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर दिया लगभग हर एक सब्जेक्ट में तो इसको कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम यानी इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम स्कूल है तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है हिंदी ही है मान लीजिए सारे सब्जेक्ट्स को हिंदी में ही पढ़ रहे हैं तो उससे हम उस सब्जेक्ट की भाषा भी सीख रहे हैं और हमारी जो वो ओवरऑल भाषा है वो भी बेहतर हो रही है तो ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम मतलब सेम क्लासरूम के अंदर आप एक ही लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में Lack की फुल फॉर्म पूछी हुई है लैक बोले तो लैंग्वेज एक्विजिशन कल्चर नहीं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम ये याद रखनी है फुल फॉर्म नहीं तो आपको अभी इजी लगेगा वैसे भूल जाओगे क्योंकि यहां पे बस लास्ट वर्ड चेंज किया है कंटेंट कल्चर ऐसा नहीं है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन है आपके सामने पढ़िए फटाफट से लैक स्टैंड फॉर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इट मीनस यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ वाइटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव पर्पज ओनली

टीचर से पूछा टू रेफर टू दी टेस्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड अ थीम कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन यानी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का यूज करना है इतिहास की टेक्स्ट बुक उठानी है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक ऐसे लिखना है इतिहास के किसी टॉपिक पे अब जब बच्चा ऐसे लिखेगा तो क्या होगा भाषा का टास्क है ये तो लैंग्वेज टास्क हो गया ऐसे लिखना यानी इंग्लिश का प्रयोग करेगा और जब वो हिस्ट्री के किसी टॉपिक पर ऐसे लिखेगा दैट मीन्स वो इस सब्जेक्ट को सीखेगा वो हिस्ट्री को जानेगा सब्जेक्ट नॉलेज होगी उसकी क्या होगी सब्जेक्ट नॉलेज होगी क्लियर है तो आप इंग्लिश के थ्रू हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हिस्ट्री के थ्रू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं एक तो आपने इंटीग्रेट कर दिया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का पालन कर लिया और एक लैंग्वेज को आपने अक्रॉस द करिकुलम यूज किया इससे लैंग्वेज भी बेहतर हुई और वो सब्जेक्ट भी बेहतर हो गया समझ पा रहे हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट ये आता ही है क्वेश्चन सौ परसेंट आता है ऐसा कभी नहीं हुआ मल्टीलैंगिज्म पे क्वेश्चन ना आया हो बहुभाषिता इवन हिंदी में भी आएगा बहुभाषिता मल्टी का मतलब यह लैंग्वेज सॉरी लैंग्वेज नहीं मल्टी का मतलब ये बहु यानी मल्टीपल मल्टीपल चॉइस होते हैं ना जैसे क्वेश्चन बहु यानी मैनी मल्टी का मतलब है मैनी और अगर बायलिंगुअल लिखा हो तो बाय का मतलब है दो टू है ना बाय डायरेक्शनल जैसे कॉग्निशन और इमोशन क्या है बाय डायरेक्शनल है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं द्वी दिशीय है ना क्लियर आगे बढ़ेंगे इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस

फिर वो कई भाषाएं एक भाषा से सीखते हुए सीख जाता है इसी को मल्टीलिंगुअलिज्म कह रहे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है एक एसेट है एक रिसोर्स है हमारे देश के लिए एक, एक... क्या कहेंगे हम संप... संपदा है एक तरह की तो मल्टीलिंगुअलिज्म एक बेटर चीज है क्यों क्योंकि हमारा जो देश है वो डायवर्सिटी का देश है यहाँ कई सारी भाषाएं बोली जाती है एक क्लास में कई सारे बच्चे होंगे और मदर टंग से शुरुआत करानी चाहिए तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज एन एसेट यानी क्या है एक संपदा है एक एसेट है एक रिसोर्स है एक संसाधन है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज ये रिसोर्स जरूर लिख लीजिएगा एसेट और रिसोर्स लिख लीजिएगा मल्टीलैंग्वलिज्म के सामने बिकॉज इट मेक्स द लर्नर्स मोर अडेप्ट एट लैंग्वेज लर्निंग यानी अडेप्ट मतलब वो पारंगत बनाता है बच्चे को भाषा सीखने में कौन मल्टीलैंग्वलिज्म क्योंकि वो अपनी भाषा शुरू कर रहा है अपनी मातृभाषा सीखना शुरू करेगा और कई भाषाएं वो सीख जाएगा या कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो उनसे भी वो बहुत कुछ सीखेगा मल्टीलैंग्वेलिज्म इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी यानी जब वो मल्टीपल भाषाएं पढ़ेगा मल्टीपल भाषाएं सीखेगा उस एनवायरमेंट में रहेगा जहां अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है और वो अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करेगा तो उसका कॉग्नेशन और उसकी क्रिएटिविटी बेहतर होती है ये कहा जाता है जो लोग दो या दो से अधिक भाषाएं बोलना जानते हैं उनका संज्ञान उनका इंटेलेक्ट भी बेहतर होता है क्योंकि वो दो दो तरह की भाषाओं का इतिहास उनका कल्चर उनकी मूवीज और बहुत उन भाषाओं में सोच सकते हैं तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए इंटेलेक्चुअल uh, डेवलपमेंट के लिए भी मल्टी बेटर होता है अब आते हैं क्वेश्चन पे द मोड ऑफ यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट अभी हम कैल्प भी करने वाले हैं इसके बाद आप इसका जवाब दीजिए इतने अगर पानी थोड़ा बाकी होगा तो मैं पीऊंगी देखिएगा बी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग देखिएगा मोड ऑफ यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज यानी हम बच्चे की मदर टंग का प्रयोग कर रहे हैं ठीक है यही बात हुई थी टू टीच सम मदर टंग नेटिव बात की है टीच सम एकेडमिक कंटेंट वाइल प्रोवाइडिंग एडिशनल लैंग्वेज टू इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड यानी हम बच्चे की मदर टंग का प्रयोग कर रहे हैं उसे सिखाने के लिए लेकिन धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन हम लैंग्वेज टू में भी देते जाते हैं ताकि वो दूसरी भाषा भी सीखे ठीक वो बाकी भाषाएं भी सीखे क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत है इस बात को समझने में बिल्कुल ये से बेटर है आगे बढ़ेंगे क्या क्या गया बोर्ड चलिए नेक्स्ट है बायलिंग्वल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस वेयर डैश इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमने समझा बाय मतलब सिर्फ दो भाषाएं मल्टी मतलब कई सारी भाषाएं अब मल्टीलिंगुअल में ये है ना बच्चे की नेटिव लैंग्वेज सारे बच्चों की एक ही होगी नेटव नेटिव, नेटिव लैंग्वेज ये थोड़ी कह है सकते हैं तो इसलिए पिछले क्वेश्चन में बायलिंगल नहीं कह सकते थे ना हम क्योंकि हर बच्चे की अलग हो सकती है मदर टंग जो है

टू लैंग्वेजेस आर यूज या नो लैंग्वेज इज यूज देखिए मोर मोर देन थ्री या दो या दो से उससे अधिक वो फिर मल्टीलिंग बन जाएगा बाय का मतलब यह टू लैंग्वेजेस आर यूज नो लैंग्वेज इज यूज फिर क्या बच्चों को बिठा के तमाशा दिखाएंगे सी ऑप्शन चलिए आगे बढ़ेंगे एक चीज है बिक्स जो आपके पेपर में पूछी जाती है बिक्स बोले तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स ये फुल फॉर्म है बिक्स की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है याद रखिएगा बी फॉर बेसिक आई फॉर इंटरपर्सनल सी फॉर कम्युनिकेशन एस फॉर स्किल्स ओवरऑल मिलके बन गया बिक्स जो डे टू डे लाइफ में आपकी भाषा यूज हो रही है कन्वर्सेशन में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में है ना जो आप अपने दोस्त यारों से बात करने के लिए अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसको बिक्स कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बिक्स रेफर टू लिंग्विस्टिक स्किल्स नीडेड इन एवरी डे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन यानी टीचर से बच्चा बात कर ले अपनी बात कह दे एवरी डे स्किल्स जो हमें चाहिए डेली भाषा इतनी भाषा हमें आ जाए बोलनी है बच्चे को जिससे वो अपनी बात कह पाए तो एवरी डे या सोशल फेस टू फेस स्किल इंटरेक्शंस में किसी पड़ोसी से मिले हैं स्कूल में टीचर से मिल रहे हैं किसी और से मिल रहे हैं तो अपनी बात कह सके ठीक है ना आपकी क्लास की यार नोट्स पढ़े हैं सीरीज में अट्ठाईस उनतीस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बस तो बढ़िया तीस आएंगे हाँ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम में बिगड़ने वाला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मस्त पढ़ाई करेंगे डोंट वरी अभी थोड़ा सा और रह गया तो अगर डे टू डे लाइफ में या बेसिक इंटरैक्शन जैसे टेलीफोन पे बात करना हो गया आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं जो डेली यूज में हमारी लैंग्वेज आती है सोशल इंटरेक्शन हो गए पड़ोसी से बात कर रहे हैं वो हो गया बिक्स इसमें कोई बहुत ज्यादा एकेडमिक चीजों की जरूरत नहीं होती बिक्स में इसका जस्ट ऑपोजिट है लगभग कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैल्प कहते हैं इसको सी ए एल पी पूछे हैं क्वेश्चंस खूब पहले भी पूछे जा चुके हैं तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है भाई कॉग्निटिव एकेडमिक यानी जिस भाषा का जिन स्किल्स का प्रयोग एकेडमिक्स में हो आप कोई एसए लिख रहे हैं कोई पेपर लिख रहे हैं बहुत स्टैंडर्ड है ना किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई आंसर लिख रहे हैं

कर सकते हैं आंसर आंसर प्रैक्टिस अच्छा गलत तो नहीं नहीं है नहीं, वो अपडेट हो गई थी उसमें कुछ चार पांच या जितने भी क्वेश्चन इनको गलत मिले थे वो पब्लिशर ने अपनी तरफ से बेस्ट वो के पूरी टीम ने अपडेट की है तो अभी आप कर सकते हैं उससे प्रैक्टिस अदरवाइज अगर आप बैच में हैं तो सिर्फ बैच से पढ़िए अभी तो है ना ले सकते हो आपको दिक्कत नहीं है देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्योंकि <coughs> 4, मतलब बहुत तरह तरह के हैं फिर उसमें एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पढ़ाई लिखाई या वो वाले एकेडमिक अचीवमेंट के लिए यूज होती है जिसमें कई बार कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस हो जाता है जरूरी नहीं है कि एक कॉन्टेक्स्ट है उसी में बात हो रही है किसी भी चीज पे आपको बोलने को या लिखने को दिया जा सकता है तो ये हुई एक बात अब बढ़ेंगे आगे तो ये बिक्स क्या है कॉग्नेटिवली अनडिमांडिंग ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ती अब डेली मुझे किसी से बात करनी है फोन उठा करके तो डिमांड दिमाग क्यों लगेगा लेकिन अगर मुझे प्रोफेशनल बात करनी है तो दिमाग लगेगा ये इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है कैल्प जो है अनडिमांडिंग नहीं डिमांडिंग होता है इसमें आपके संज्ञान आपकी थिंकिंग रीजनिंग स्किल्स वगैरह की डिमांड होती है कि आप कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिख रहे हैं कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं टीचर को उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कैल्प है ये कॉग्नेटिव

थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं तो ये कोठारी आयोग ने दिया था कोठारी कोठारी कमीशन जिसको हम बोलते हैं डी एस की अध्यक्षता में 1964 में 1964-66 जब पहली बार थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई थी यानी तीन लैंग्वेजेस चलनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज हो यानी जो पहली भाषा पढ़ाई जाए वो मातृभाषा हो बच्चे की मदर टंग हो या उसकी रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा हो नेटिव लैंग्वेज हो बेसिकली ठीक है तो हम कहते हैं कि भैया बच्चे को चुपचाप से किस में पढ़ाओ मदर टंग में पढ़ाओ जब शुरुआत करा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में पढ़ाएंगे मातृभाषा पे पढ़ाएंगे ठीक सेकेंड लैंग्वेज क्या है दूसरी भाषा कौन सी पढ़ाई जाए जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं वहां हिंदी बोली जाती है तो हिंदी तो मदर टंग में हिंदी तो आपने पहले ही पढ़ ली फर्स्ट लैंग्वेज ही आप हिंदी पढ़ रहे होंगे इस स्थिति में अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ठीक अगर हम यहां बात करें कि आपको हिंदी तो पहले से ही आती है एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया क्यों संध्या क्या है पेपर की डेट अगर अट्ठाईस करेंगे बड़े लोग परेशान है सेकेंड लैंग्वेज यानी इन हिंदी स्पीकिंग इट विल बी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस यानी एम आई एल जिनको हम बोलते हैं वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आपकी जो बाईस भाषाएं भी आप देखते हैं इंग्लिश हो सकती है वो या इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इट विल बी हिंदी और इंग्लिश इसको ऐसे देख लेते हैं कि ऐसे देखेंगे थ्री लैंग्वेज फॉमुला को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक मिनट लगेगी डोंट वरी लास्ट टॉपिक है ये फिर ही हैं कुछ थ्री लैंग्वेज फॉमुला की जब हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने आज ये दिखाई है क्योंकि पेपर से पहले क्योंकि अब तक नहीं पढ़ा तो अब एक बार तो रिवीजन कमर कस के लेना ही पड़ेगा ना फॉर्मूला थ्री भाषा सूत्र थ्री ये हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा ठीक पहली भाषा मदर टंग ठीक दूसरी भाषा कोई भी या तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं तो वहां इंग्लिश या फिर इंग्लिश और एम आई एल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बहुत सारी भाषाएं हैं इनमें से कोई एक और जो जो तीसरी भाषा है जो आपका मन करे आप पढ़ा दीजिए हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इंग्लिश होगी और नहीं तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ठीक है ना तो इसको ऐसे देखिएगा आप मान लीजिए एक यूपी का बच्चा है क्योंकि इसमें कंडीशन है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में अलग और नॉन हिंदी स्पीकिंग में अलग तो यूपी का बच्चा तीन भाषाएं पढ़ानी है इसको ठीक पहली भाषा क्या होगी भाई नेचुरल सी बात है जो पहली भाषा होगी वो होगी हिंदी क्या होगी हिंदी क्योंकि यूपी का ही बच्चा है ना यहां मातृभाषा मान के चल रहे हैं हिंदी होगी इसकी दूसरी भाषा या तो हम इसको अंग्रेजी पढ़ाएं या फिर हम इसको कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ा दें चाहे अब वो गुजराती हो चाहे वो कुछ और हो संस्कृत हो कुछ भी हो ठीक तो ये क्या हो गई हमारी मान लेते हैं हमने इसको यहाँ पे अब हिंदी इसको पहले चाहती थी इंग्लिश पढ़ा दी और थर्ड लैंग्वेज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी एम आई एल मान लेते हैं गुजराती पढ़ा दी हमने इसको या कोई भी जो भी लैंग्वेज अवेलेबल है वहां पर तो बस इतना ध्यान रखना है जो लैंग्वेज आपने सेकंड पर पढ़ाई है उसको थर्ड पर नहीं पढ़ाओगे ना अगर इंग्लिश सेकंड पे पढ़ा दी है तो आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लोगे और यहाँ पे अब आप इंग्लिश की जगह मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी ले सकते थे कोई अगर बच्चा मान लीजिए नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से है उसके यहाँ पे मान लीजिए पंजाबी बोली जाती है तो उसने मदर टंग क्या उठा ली पंजाबी उठा ली ठीक सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी हिंदी होगी फिर ठीक और थर्ड आपकी इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तो ये है आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला कोठारी आयोग ने इसको दिया अच्छा एनईपी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो एनईपी है वो लैंग्वेज को लेकर मल्टीलिंगुअलिज्म तो जो आपका एनसीएफ भी कह रहा था है ना कि मल्टीलिंगुअलिज्म को एक एसेट की तरह रहने दो कोई दिक्कत नहीं है यानी बहुभाषता को चलने दो मल्टीपल लैंग्वेजेस एक क्लास में सीखी जाए ठीक कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा ये कहती है कि जो संस्कृत जैसी भाषाएं हैं जो भी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल लैंग्वेज समझते हैं हम संस्कृत है और इस तरह की भाषाएं हैं एक देखो दिमाग पता नहीं कहाँ संस्कृत की बात करते हैं संस्कृत या कोई भी जो भी और अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस जो भी शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारी उनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेजेस इनको हम कैसे पढ़ाए एडिशनल लैंग्वेज के फॉर्म में ये एडिशनल सब्जेक्ट की तरह इसको पढ़ाया जाए तो ये भी एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है मदर टंग को प्रमुखता देने की बात एनईपी भी करेगी ये तो नेचुरल बात है मातृभाषा एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत या जो मॉडर्न ये आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इनको पढ़ाया जाए क्लियर है बात तो थर्ड लैंग्वेज वही हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में क्या होगी आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश होगी या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी ये तो हम बात कर ही चुके हैं अभी कॉम्बिनेशन अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज यानी हम एजुकेशन की जो पॉलिसी है इंडिया में उसको क्या कहा जाता है इस बार का ही क्वेश्चन है पूछा जा चुका है बताइएगा फटाफट से बताइएगा फिर आप अपने घर हम अपने घर अभी हालांकि कुछ क्वेश्चन हैं जो हम प्रैक्टिस करके ही जाएंगे क्योंकि ये वन शॉट मतलब वन शॉट एक वीडियो खत्म कहा नहीं ठीक लेट कितना भी हो जाए क्योंकि मेरा सेशन जल्दी स्टार्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है तो रात को बहुत मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए कई लोगों के बच्चे हैं जॉब पे जाना है और सतर तरह की चीजें हैं बट uh, आप अगले दिन देख लीजिएगा फिर डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग थ्री लैंग्वेज हॉमला यानी लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी ऐसा तो कोई नाम नहीं है मदर टंग एज मीडियम ये कोई पॉलिसी नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश नहीं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हमारी पॉलिसी है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं एजुकेशन में लैंग्वेज की पॉलिसी जिसको हम कह रहे हैं त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग में इसकी बात हुई है अब कुछ फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे कुछ बीस बाईस क्वेश्चन है आप जवाब देते जाना पोल आज है नहीं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज ट्रेनिंग के थ्रू मातृभाषा यानी पहली भाषा वही तो है ट्रेनिंग के थ्रू कैसी बातें कर रहे हो जनाब फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन स्कूल भैया घर स्कूल आने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको फर्स्ट लैंग्वेज की होती है मदर टंग की होती है वो जानता है अपनी बात को कहना समझना मदर टंग में या फर्स्ट लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अचुरल प्रोसेस ये बात यहां सही लग रही है ये तो स्वाभाविक नेचुरल विदाउट डेलिवरेट एफर्ट वाली प्रैक्टिस है कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं होगी सेकंड में होगी किसमें होगी सेकंड में होगी कि आपको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़े आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग

यानी संभावित विकास के क्षेत्र की बात करते हैं वाइगोस की चलिए आगे बढ़ते हैं रोहित इज सेवन मंथ्स ओल्ड इन्फेंट ही हैज स्टार्टेड मेकिंग साउंड्स दैट कंबाइन कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स यानी वा, जो रोहित है वो एक सात महीने का बच्चा है मैंने अभी बताया था ना छह हफ्ते में क्विंग, छह महीने में बैबलिंग फिर एक साल में वन वर्ड डेढ़ से दो साल में टू वर्ड फिर तो लॉन्गर अटरेंसेज आई जाते हैं तीन साल के बाद तो ये क्या करता है वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को जोड़ करके बोल पाता है तो मैंने आपको बताया था एक सिंगल सिलेबल वर्ड्स यानी जिसमें एक वाउल हो और एक कॉन्सोनेंट है तो जैसे ब म तो ये सब क्या है बैबलिंग का हिस्सा है क्विंग का नहीं है क्विंग में तो कोई वाउल जैसा कुछ नहीं है तो खाली वाउल साउंड भी होते हैं कई बार क प कुछ भी बोल रहा है बेचारा जो जो उससे बोला जा रहा है उसका कोई अपना सिंगल सिलेबल नहीं है लिंग्विस्टिक स्पीच वगैरह तो कुछ है ही नहीं इसका आंसर हो गया डी क्वेश्चन नंबर फोर देखेगा एजुकेशनल प्रोसेस इन विच

एडिशनल लैंग्वेजेस है यानी दो या दो से अधिक है, है बहुभाषा है शिक्षा में जो कि एक asset है चीज है है बढ़िया चीज़ देखिएगा ये कहता कीस्टर फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड यानी सेंटेंस का पैटर्न जो बच्चे को आना चाहिए फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज सीखते समय वो पैटर्न भी सीख जाता है और इस पैटर्न सीखने को क्या कहते हैं यानी तो पैटर्न ऑफ यानी किस तरह से वाक्य बनाए जाएंगे बोले जाएंगे ये मास्टर करने की जरूरत होती है जब आप फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज सीख रहे होते हैं यानी फंडामेंटल स्किल्स मतलब अपने आप को व्यक्त करना बोलना लिखना पढ़ना बेसिक बातें इसका मतलब आपको सिमुलेट करना नकल करनी है सिर्फ एसिमुलेट करना नहीं प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा स्ट्रक्चर की समझ आपको होनी चाहिए ओवरऑल लैंग्वेज को यूज करने के तो आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे सिर्फ दस ही क्वेश्चन कर लेंगे बाकी के मैं आपको आंसर कि किसी और सेशन में या प्रैक्टिस करा दूंगी अलग से या आंसर मार्क करके भी दे सकती हूँ वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन इज दैट यानी एक महत्वपूर्ण अंतर किसमें एनिमल्स की भाषा में पशुओं की भाषा में और एनिम की भाषा में तो एनिमल्स कैन कम्युनिकेट इमोशंस हाउ

जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी जान बचानी हो कोई मुसीबत आई हो कोई इमोशन कन्वे करना है बेसिक सा वो कह देते हैं अपने वेलफेयर के लिए अपनी प्रजाति को बचाने के लिए ह्यूमंस जो हैं वो अपने वेलफेयर के लिए भी दूसरों के वेलफेयर के लिए भी हम एनिमल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं हम एनवायरमेंट के लिए लड़ रहे हैं हम तो सत्तर चीजें कर रहे हैं तो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि ये सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए बोल पाएंगे एनिमल्स बोल भी क्या पाएंगे मतलब कम्युनिकेट कर पाएंगे च ऑफ द फॉलिंग यू वुड नॉट कंसिडर एज एन ऑथेंटिक टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग ऑथेंटिक टास्क होते हैं बेसिकली न्यूज पेपर से कुछ उठा लिया है जो रियल लाइफ से कॉन्टेक्स में जोड़ के कुछ बात हो रही होती है उनको हम ऑथेंटिक टास्क में पुट करते हैं ठीक है बहुत बढ़िया घनश्याम आप बिहार से इतनी रात को पढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया देखिएगा

गलत है तो बी ऑप्शन नॉट वाले क्वेश्चन पे तो बहुत ध्यान रखना है बाइलिंगुअल मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग मेक्स यूज ऑफ दी लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड साइमल्टेनियसली यानी जो द्विभाषीय आपका अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें एक तो नेटिव लैंग्वेज होती है बच्चे की और दूसरी भाषा कौन सी होती है ये पूछा है इंस्ट्रक्शन इन एल वन प्रोवाइड्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन इन का मतलब क्या लैंग्वेज 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 क्या होगी मदर टंग लैंग्वेज कोई भी टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज जो भी स्कूल सिखा रहा होगा टीचर्स साइन लैंग्वेज लर्न यूनिवर्सल ग्रामर यार देखो बायलैंगल का मतलब है प्रॉपर कोई दूसरी लैंग्वेज होगी साइन लैंग्वेज नहीं तो प्रोवाइड्स एडिशनल अब ये साइन लैंग्वेज अगर है भी तो इसको भी एल टू की तरह ट्रीट करेंगे तो एडिशनल इंस्ट्रक्शन इन एल टू अब ये साइन लैंग्वेज हो नॉर्मल हो कोई मतलब नहीं है तो प्रोवाइड्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन इन एल टू यानी लैंग्वेज टू में जो नेटिव लैंग्वेज है वो तो लैंग्वेज वन हो गई वो तो है ही साथ में उसको तो यूज कर ही रहे हैं दूसरी भाषा एडिशनल इंस्ट्रक्शन उसमें यूज कराएंगे जो भी टारगेट लैंग्वेज होगी या स्कूल की लैंग्वेज होगी तो बी ऑप्शन बायलिंगुअल का मतलब ये है मल्टीलिंगुअल में कई भाषाएं होती है आर रीजनल डायलेक्ट रीजनल डायलेक्ट हुआ आपका जो भी क्षेत्रीय बोली है अच्छा एक चीज याद रखिएगा एक ओवर जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चलता है कि बच्चा गो को वेंट लिखने की जगह सेकेंड फॉर्म इसी में ईडी लगा देता है

अभी तो थोड़ा सा भारी पड़ेगा एक्चुअली होता क्या है बहुत लगातार क्लासेस ना छुट्टी होती नहीं है कभी होती है तो उसमें भी काम इतने होते हैं है हमारे जैसे लोग ठीक है ना क्लियर है चले आगे देखिएगा पेन गया ये रीजनल डायलेक्ट मतलब क्षेत्रीय बोली कोई तो स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज इन आ रीजन अब ये स्टेट हो कुछ भी हो जो भी क्षेत्र है उसकी बात हो रही है रीजनल डायलेक्ट में पूरे स्टेट की बात नहीं होगी कंट्री की बात नहीं होगी फिर तो वो लैंग्वेज हो जाएगी डायलेक्ट क्यों कहलाएगा बोली थोड़ी कहलाएगी ठीक है ना एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ये script हो इसकी जरूरी नहीं है इस बोली की प्रॉपर स्क्रिप्ट आपकी भाषा की होती है कुछ बोलियां हैं फिर वो भाषा ही बन जाती हैं द रिटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ अ रीजन अब लिटरेचर आ गया तो फिर तो वो डायलेक्ट नहीं लैंग्वेज बन जाएगा तो स्पीच कैरेक्टर्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अ रीजन क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज यानी साइन लैंग्वेज के बारे में कौन सी एक बात सही है शुरुआत में बात की थी हमने लैंग्वेज फॉर्म्स के बारे में भाई ओरल होती है रिटर्न होती है फिर जो लोग डेफ हैं किसी को डिसेबिलिटी है या साइन लैंग्वेज भी होती है जिसमें संकेतों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त किया जाता है ठीक तो देर इज ओनली वन साइन लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड अलग अलग है एक ए एस एल बोला जाता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज इसी तरह से ऐसा नहीं है कि एक ही साइन लैंग्वेज है दुनिया में अलग अलग क्यूज अलग अलग चीजें हो सकती हैं नहीं 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 अगर आपने खरीद लिया मोहम्मद मसरूर वो चार हजार एमसी क्यू वाली और उस टाइम पे अगर उसमें गड़बड़ थी कुछ क्वेश्चंस की तो आप मेल डालिए उसमें मेल होगा या मैं कल नोट डाउन करा दूंगी आपको मेल तो किरण पब्लिकेशन को आप मेल कीजिएगा और वो लोग जो भी उसमें करेक्शन वाली लिस्ट होगी आंसर की वो आपको दे देंगे दोबारा से खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है देखिएगा डी ऑप्शन कह रहे हैं आप में से कई लोग तो सिर्फ एक साइन लैंग्वेज है नेचुरल नहीं है क्यों नेचुरल क्यों नहीं है भाई और साइन लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज हाँ ये तो सही है साइन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिर्फ gestures की बात नहीं है ये बात है कि स्वाभाविक है कि नहीं है हम जेस्टर्स का भी यहां यूज कर रहे हैं हम अपने हैंड मूवमेंट्स का भी यहां यूज कर रहे हैं ठीक तो साइन लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज हमें ये मानना होगा पहले वो जेस्टर्स हैं वो अपने आप आ जाएगी इसमें पहले हमें ये मानना होगा ये भी एक नेचुरल भाषा है ये भी भाषा का एक प्रकार है ठीक है ना तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं अब ये मैं आपको दे दूंगी ये आपका मन कर रहा था तो एक बार इसको कर लो लास्ट क्वेश्चन है फिर हम छुट्टी करेंगे और कब मिलेंगे कल मिलेंगे कल जहां तक ईवीएस करेंगे ये चार दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण तो है मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है तबियत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है बट बहुत जरूरी है आपके लिए भी लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर इलेवन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ क्योंकि अब साल में एक बार आता है ना सीटेट मतलब आपका चांस गया तो एक साल तक के लिए गया अब जिनकी गलती रही होगी कि जो लोग जैसे अभी केवीएस में क्या हुआ अपीयरिंग को हटा दिया है तो जिन्होंने अगर वो उस टाइम पर नहीं किया आपको अपीयरिंग में करना था अब आप चांस मांगते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके हिसाब से नहीं चलती ना चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती है। तो वो थोड़ा सा अगर उस टाइम पे हो जाता तो ये चांस मिस नहीं होना चाहिए विच ऑफ द मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग विद रेफरेंस टू फर्स्ट लैंग्वेज यानी कौन सी एक बात सही है दूसरी भाषा को सीखते समय पहली भाषा के विषय में तो सेकंड लैंग्वेज इज इंटरफेयर इंटरफेरेंस इन दी लर्निंग ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज यानी इंटरफियर करती है जो सेकंड लैंग्वेज है देखिए हम इसको एसेट या रिसोर्स की तरह मानते हैं ट्रांसफर करने वाली एबिलिटी की बात की थी शुरुआत में इसको हम इंटरफेरेंस की तरह नहीं मानते फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स दी लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज हाँ ये बात पॉजिटिव है फिर भी देख लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफियर्स इंटरफियर नहीं करेगी इट इज करेगी भी तो आपको उसको देखना है पॉजिटिवली लेना है ये गार्डनो क्या हो गया इतनी सीटी बजा रहे हैं

और न्यू लगाऊं हा इतना ही कर लो बहुत मोर देन इनफ है एक तो जो नोट्स दिए हुए हैं ना नोट्स है ना अपने पास तो ये नोट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाने है। पेपर में ये ऐसी चीज है कि आप अपने व्हीकल पे भी जब जा रहे हैं या बस में भी बैठे हैं या वहां सेंटर पे भी बैठे हुए हैं तो ये मान लो जैसे दस पेज के नोट्स हैं उसके बाद फिर आपकी इसमें क्वेश्चन है तो ये, ये इतने तो कंसाइज है कि आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे भी दस से पंद्रह मिनट में रिवाइज कर सकते हो अगर आपने ये पहले से पढ़े हुए हैं तो रिविजन मल्टीपल टाइम्स करना है क्योंकि जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सब है दूसरा आप मैराथन देख ही रहे हो यही मैराथन देख लो और प्रीवियस ईयर और कुछ नया नहीं करना है इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा मॉक और इस, के इस सब के चक्कर में पढ़ना है कि नए क्वेश्चन करने बैठ जाओ वो आपको कंफ्यूज भी कर देंगे उस टाइम पे उनका कोई खास बेनिफिट है नहीं क्योंकि वही प्रीवियस ईयर ही रिपीट होने हैं फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स दी लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज बिल्कुल सही बात है जो पहली भाषा है वो दूसरी भाषा की लर्निंग को सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि पहले से जो आता है उस पर तो बिल्डिंग बनाएंगे प्रीवियस नॉलेज पे चलिएगा खैर अब हम आगे बढ़ेंगे आपका मन है तो ये सॉल्व कर लीजिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग एम्स हेट Developing the ability to use language in a defined context like education, work, personal or professional development. फटाफट से बताओ नहीं तो अब हम छुट्टी कर सकते हैं अब इसको आखिरी कर देते हैं मैं कुछ नाम वाम पढ़ लेती हूँ आप लोगों के और अभी के लिए तो इनफ हो गया अब छुट्टी करते हैं कल कर मिलेंगे रात के बज गए बारह बज के दस मिनट गुड मॉर्निंग कर देती हूँ मैं आप लोगों को क्रिसमस हो गया है ना चले आगे बढ़े चलिए ये करना है या छोड़ देना है डिफाइनिंग एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स द करिकुलम इज डिफाइन एबिलिटीमेंटेड मेकिंग लर्नर्स टू लर्न एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग एम्स नहीं नहीं एक लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने पर फोकस करेगी ना एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन डिफाइंड कॉन्टेक्स लाइक एजुकेशन वर्क पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिस कॉन्टेक्ट में आप भाषा उस... सिखाने की कोशिश करो उस भाषा में उसका कॉम्पिटेंस उसकी क्षमता डेवलप हो सके कि मान लीजिए उसको पेपर में लिखना तो वो उस तरह की लैंग्वेज जानता हो ग्रामर के रूल्स अगर उसको आते हो अगर ग्रामर की बात कर रहे हैं एजुकेशन में काम में पर्सनल या प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जिस भाषा का वो प्रयोग करे उसमें वो कॉम्पिटेंट हो उसमें वो अच्छे से उसको समझता हो उसकी समझ उसको हो ठीक है ना चलिए आज के लिए इतना ही रखें एक मिनट में कुछ कॉमेंट्स पढ़ लेती हूँ आपके फिर छुट्टी करेंगे मन तो करा सब पढ़ा दें चलिए खैर अब तो ये आठ दस क्वेश्चन है मैं एक बार आंसर मांग करके आपको दे दूंगी

अच्छे से समझिएगा जो क्वेश्चन कराएंगे पी डी एफ में आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें चलिए टेक केयर कल मिलते हैं कल आपको मैथ्स और ईवीएस के नोट्स भी मिल जाएंगे उसके साथ आपके पांचों सब्जेक्ट के नोट्स और जितने भी मैराथॉन्स हुए हैं ये सारा कुछ फ्री रहा है थैंक यू सो मच बाय गुड नाइट कल मिलेंगे नौ बजे मेरा नाम ले लीजिए नजीब रहमानी कह रहे नाम ले लेती हूँ मैं आपके uh, साधना पेपर टू के लिए भी एफ है यार ये पेपर वन पेपर टू लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू पेडोज का तो सिलेबस सेम है सबके लिए मैंने क्वेश्चंस भी दोनों ही लेवल से लिए हैं इसमें मुस्कान चौहान क्राफ्टा नित्या क्राफ्टी नित्या अच्छा ओके प्रियांशु ओके चलिए फिर डर लग रहा है मैम अट्ठाईस को मेरा एक पेपर टेंशन नहीं लेनी सागर जो पढ़ा है वही काम आएगा बस और अपनी समझ का प्रयोग करके नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देना कोई दिक्कत नहीं लेनी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट होते हैं